ओके, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे पास जो प्रीवियसली हमने जिन लेक्चर्स को पढ़ लिया है, जिनको हमने स्टडी कर लिया है, उनमें हमारे पास JFET, FET, मीन्स FET के तीन डिफरेंट तरह के ट्रांजिस्टर्स को आपने स्टडी किया है। तो वो थे आपके पास JFET, और उसके अलावा आपके पास MOSFETs में JFET और MOSFET को आपने स्टडी किया। JFET था आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और MOSFET आपके पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। और आपने ये भी देखा था कि कैसे इसकी इनपुट रेजिस्टेंस BJT से ज़्यादा है और कैसे इनकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है। फिर MOSFET में आपने दो तरह के MOSFETs को पढ़ा है। एक है डी MOSFET, जो कि दो मोड्स में यूज़ होता है, डिप्लीशन मोड एंड एनहांसमेंट मोड, और ई MOSFET जो सिर्फ इनहांसमेंट मोड में यूज़ होता है। तो अब आपको इन तीनों के ग्राफ्स पता हैं कि आप इनके सर, ग्राफ्स कैसे डिज़ाइन कर रहे होंगे। जी ई मॉस्फेट डिप्लीशन रीजन के लिए क्यों नहीं काम कर सकता सर? डिप्लीशन मोड के लिए क्यों काम नहीं कर सकता? क्योंकि उसमें पहले से चैनल ही मौजूद नहीं है। ठीक है, डिप्लीशन मोड असल में क्या है? डिप्लीशन मोड ये है कि आपके पास चैनल मौजूद है, और चैनल की वजह से जो करंट है वो आपके पास IDSS फ्लो कर रहा है। चैनल की जब बात होती है तो उसका मतलब है कि ड्रेन और सोर्स के दरमियान कनेक्शन मौजूद है, और फाइनली आप इस तरह से कंडक्शन करते हैं कि आपके पास वो जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो रहा हो और स्लोली 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 बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो जो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या एंड हो जाती है, तो फिर आप फाइनली एक ब्रेक डाउन पर पहुँच जाती हैं। तो इस पूरे रीजन को डिप्लीशन मोड कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इन्हेंसमेंट मोड में, ई मोड में ये चीज़ मौजूद ही नहीं है, चैनल मौजूद ही नहीं, और आपको उसे डेवलप करना पड़ता है, तो इस वजह से वो डिप्लीशन में यूज़ नहीं हो सकता। सर जी तो सर वो जो हमारे पास ई मॉस्फेट है सर, उसके अक्रॉस मैंने 10 वोल्ट अप्लाई किए सर, फिर भी उसमें से करंट फ्लो, हालांकि गेट पे मैंने कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की थी सर, वो थ्रेशोल्ड से पहले ही 1 माइक्रो एम्पेयर करंट सर फ्लो शुरू हो गया सर, ये क्यों सर? ठीक है, हम उसको लैब के सेक्शन में देखते हैं। तो मल्टी सिम पर हम डिज़ाइन यहीं सामने कर लेंगे, या आपकी स्क्रीन शेयर करेंगे, देखते हैं फिर उसमें क्या मसला है, क्या इशू है। सही है सर। ठीक है, तो अली, आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस ओके, तो हमने ये FETs हमने स्टडी की हैं। तो FETs में फाइनली हमारा गोल ये होता है कि हमारे पास उसकी दो एप्लीकेशंस हैं। एक एप्लीकेशन है एम्पलीफायर्स। एम्पलीफायर्स मीन आप बूस्ट कर रहे हो वोल्टेज को या करंट को, या हम ये कह सकते हैं कि हम पावर को बूस्ट अप कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारे पास होती है स्विचिंग। ये दो मेजर एप्लीकेशंस हैं किसी भी ट्रांजिस्टर के, चाहे वो BJT हो चाहे वो FET हो। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज एंड सर्किट सब्जेक्ट पढ़ा है, उसमें आपने BJT को एज एन एम्पलीफायर, जिसमें तीन कन्फिग्रेशन है, कॉमन इमिटर कन्फिग्रेशन, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन एंड कॉमन बेस कन्फिग्रेशन, इन तीनों को आपने स्टडी किया। उसके अलावा उसको एज अ स्विच भी आपने देखा है। तो हमारे पास जो FETs हैं, अब हम उसके एम्पलीफायर और स्विचिंग को देखेंगे। लेकिन आपको एम्पलीफायर या स्विचिंग को डिफ्रेंशिएट आप कैसे करते हैं? इन दोनों एप्लीकेशंस को डिफरेंशिएट करने के लिए एक चीज़ मौजूद होती है, जिसे आप कहते हैं क्यू पॉइंट। ठीक है, और वो क्यू पॉइंट आप कैसे डिफाइन करते हैं? आपको ग्राफ पता होना चाहिए, और ग्राफ में आप बताते हैं कि आपके पास बायसिंग मीन्स क्यू पॉइंट अगर आपने डिफाइन करना है तो क्यू पॉइंट सेट कैसे होगा, वो किसी भी बायसिंग से होगा। और बायसिंग क्या है? बायसिंग मीन्स आपने किस तरह से सोर्सेज और कितनी वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर्स को यूज़ किया है, जिसकी वजह से ये वोल्टेज या ये करंट सेट हुआ है अक्रॉस द ट्रांजिस्टर। ठीक है, मीन्स ये चीज़ आपके पास VGS आ रही है और वो आपके पास ID आ रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जिनको फाइनली हमें क्यू पॉइंट देखना हो, तो बायसिंग देखना होगा। और जब हम बायसिंग की बात करते हैं, तो आपने मुख्तलिफ किस्म की बायसिंग्स पढ़ी है फॉर JFET। अगर हम JFET के लिहाज से बात करें, तो JFET के लिहाज से आपने बायसिंग पढ़ी है, एक थी 0 बायस। क्या थी 0 बायस? नहीं, वो सेल्फ बायस। ठीक है, उसके अलावा आपने जो स्टडी किया है वो आपने किया है वोल्टेज डिवाइडर बायस, और थर्ड आपने जो स्टडी करंट किया है वो है करंट सोर्स बायस। ठीक है,
उसके बाद आपके पास यही तीनों चीज़ें डी मॉसफेट में भी इम्प्लीमेंटेड हैं, लेकिन डी मॉसफेट में एक और बायसिंग है जिसे आप कहते हैं ज़ीरो बायस, क्योंकि वाहिद डी मॉसफेट ऐसा ट्रांजिस्टर है जिसे आप ज़ीरो पर बायस कर सकते हैं। ठीक है, और उनकी डिटेल्स भी आपको पता है। और ई मॉसफेट के लिहाज से आपने दो तरह की बायसिंग देखी है, एक है वोल्टेज डिवाइडर बायस और दूसरा है आपके पास, अगर किसी को पता हो तो, ड्रेन फीडबैक बायस। और इन तमाम को आप लैब में भी परफॉर्म कर चुके हैं और इन चीज़ों को देख चुके हैं। ये एक जितना भी मैंने स्केच क्रिएट किया है ये बैकग्राउंड था, मीन जो आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इनको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अभी स्क्रीन को क्लियर करूँ और हमारे पास ये जो चीज़ें हैं, अब हम देख रहे होंगे एफ ई टी के एम्पलीफायर्स, मीन अब हमारे पास एम्पलीफायर्स से पहले बड़ी एक प्रिसाइज सी चीज़ है जो कि होपफुली आप लोगों को पता होगी, सिर्फ हम रिवाइज कर देते हैं कि हमारे पास एम्पलीफायर या सोर्सेज, जब भी आप एम्पलीफायर बनाते हैं तो उसमें तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। तीन तरह की क्यों हो सकती हैं? क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, तो तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। और वो कैसे हो सकती हैं कि हमारे पास उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास लेट सपोज ये एक जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, बाकी तमाम चीज़ें बायसिंग आपको पता है कि वो बायसिंग कैसे हुई हैं, लेकिन हमारे पास दो चीज़ें होती हैं जो कि कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करती हैं कि ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। उसमें एक चीज़ है इनपुट और इनपुट को शो करने के लिए हम ये कहते हैं कि इनपुट में कोई एसी सोर्स, क्योंकि हम एम्पलीफायर की बात कर रहे हैं, कोई एसी सोर्स मौजूद होगी, उसकी कोई अपनी एक रेजिस्टेंस भी हो सकती है जो कि बहुत स्मॉल हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है, जिसे आरएस कहा जाता है। इनपुट सोर्स को वीएस कहा जा सकता है और इसे डीसी बायस में कपलिंग होने के लिए, डीसी हमारे पास एसी में कपल ना हो रहा हो तो आपके पास एक कपलिंग कैपेसिटर भी लगाया जाता है। तो ये एक यूनिट है जिसे आप इनपुट कहते हैं। ठीक है, जो कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो यूनिट है वो है हमारे पास आउटपुट, और आउटपुट सिंपलर है हमारे पास इनपुट की निस्बत। उसमें भी हमारे पास एक लोड रेजिस्टर होगा, लोड रेजिस्टर मीन जहाँ पर उस एम्पलीफायर की आउटपुट वोल्टेज ने कंज्यूम होना है या यूज़ होना है। ठीक है, उसे हम कहते हैं आर एल, मीन्स लोड रेजिस्टर, और उसके साथ आप एक कैपेसिटर जो कि कपलिंग कैपेसिटर होता है ताकि वो मैच अपना हो रहा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि डिफाइन करती हैं कि हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ट्रांजिस्टर के तीन टर्मिनल्स हैं जिसमें से ड्रेन, सोर्स एंड गेट। तो अगर आप बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, तो सबसे पहले अगर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की बात की जाए, कॉमन सोर्स एम्पलीफायर मींस ऐसा एम्पलीफायर जिसमें सोर्स टर्मिनल कॉमन है, उसका उसे और मज़ीद कैसे बताया जा सकता है कि ऐसा टर्मिनल जिस पर कोई भी ना इनपुट यूज़ होगी ना ही उस पर कोई आउटपुट यूज़ होगी। तो ऐसे टर्मिनल के लिए हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर होगा, और हम कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में कोई भी इनपुट यूज़ नहीं होगी, तो हमारे पास जो इनपुट यूज़ हो रही होगी वो यहाँ पे होगी कि हमने एक कैपेसिटर लगा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिए और एक सोर्स लगा दिए, बाकी की बायसिंग्स होंगी, बायसिंग्स को मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। और आपके पास यहाँ पर एक लोड रेजिस्टर होगा, मीन्स आप देखते ही बड़ी आसानी से ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास लोड रेजिस्टर ड्रेन टर्मिनल पर लगा है और इनपुट गेट टर्मिनल पर लगी हुई है तो ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, तो ये इसे आप कॉमन सोर्स एम्पलीफायर कह रहे होंगे। इसी तरह से अगर आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ये है कि आप कॉमन गेट एम्पलीफायर किसे कहेंगे। अच्छा, एक और अंडरस्टैंडिंग ये है कि जनरली या नॉर्मली आपके पास गेट एज एन इनपुट यूज़ हो रहा होगा और ड्रेन एज एन आउटपुट यूज़ हो रहा होगा।
अगर इन दोनों में से कोई एक अवेलेबल नहीं है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, तो फिर आप दूसरे टर्मिनल की तरफ शिफ्ट होंगे। जैसे कॉमन गेट टर्मिनल का मतलब ये है कि अब गेट टर्मिनल पर कोई इनपुट यूज़ नहीं हो सकती, ये कॉमन होगा, इस पर कोई इनपुट यूज़ नहीं करेंगे। तो लेकिन ड्रेन अवेलेबल है तो ड्रेन पर आउटपुट ही कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, आउटपुट पर ड्रेन ही कनेक्टेड रहेगा। लेकिन अब इनपुट यहाँ से मूव होकर वो सोर्स टर्मिनल पर मूव हो जाएगी और आपके पास इनपुट सोर्स टर्मिनल पर आ जाएगी। ऑल दो ये तमाम चीज़ें डिस्कस हुई हुई हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि फिर भी रिपीट कर लीजिए। ओके, तो हमारे पास ये सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि कॉमन गेट एम्पलीफायर है। कॉमन गेट एम्पलीफायर में आपके पास क्या हो रहा है जी, आपके पास एक लोड रजिस्टर ड्रेन पर लगा हुआ है जो कि कपलिंग कैपेसिटर के साथ है। तो रेड विद ब्लू शोज कॉमन गेट एम्पलीफायर, ग्रीन विद रेड शोज कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ठीक है। और अभी अगर हम फर्दर आगे मूव करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट एक और चीज़ है, वो ये है कि हमारे पास कौन सा टर्मिनल रह गया, कॉमन ड्रेन टर्मिनल। तो हमारे पास कॉमन ड्रेन एम्पलीफायर कौन सा एम्पलीफायर है, ऐसा एम्पलीफायर जिसमें ड्रेन टर्मिनल कॉमन होगा। इसका मतलब है कि ड्रेन टर्मिनल पर कोई आउटपुट यूज़ नहीं की जा सकती, नाइदर ब्लू नाइदर ग्रीन, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ें यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकती। लेकिन हमारे पास इनपुट टर्मिनल में क्योंकि अवेलेबल है तो हमारे पास यहाँ पर गेट ही कनेक्टेड रहेगा। तो मैं इसे शो कर देता हूँ, इनपुट में हमारे पास इनपुट कनेक्टेड है, और हमारे पास अब यहाँ पर इनपुट सोर्स पर हमारे पास इनपुट यूज़ नहीं हो रही होगी, यहाँ पर हमारे पास आउटपुट टर्मिनल यूज़ हो रहा होगा। तो ये एक थ्री की समराइज कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आपको ये चीज़ समझ में आती है कि आपने कैसे कॉमन सोर्स कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट एम्पलीफायर्स को देखना है, सोर्स ड्रेन एंड गेट एम्पलीफायर्स को। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके अलावा बायसिंग्स डिपेंड करती हैं कि आप किस तरह से उनको कहाँ कहाँ पर बायस कर रहे हैं। तो ये एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी जो कि हमें पहले भी पता है और मैंने कहा आपसे रिपीट भी कर दी जाए। तो आपको इनपुट और आउटपुट पता होना चाहिए और कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए। तो इसलिए हम एफ पी टी एम्पलीफायर्स को देख रहे होंगे जो कि एम्पलीफायर, जब एम्पलीफायर्स की बात की जाती है तो एम्पलीफायर्स तीन तरह के एम्पलीफायर्स हो सकते हैं। पावर एम्पलीफायर मीन ऐसा एम्पलीफायर जो कि बोथ वोल्टेज एंड करंट दोनों को एम्पलीफाई कर रहा हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन ठीक है। और सेकेंड आपके पास है वोल्टेज एम्पलीफायर जो कि वोल्टेज को एम्पलीफायर कर रहा है, और थर्ड आपके पास है करंट एम्पलीफायर जो कि करंट को एम्पलीफाई कर रहा है। तो तीन तरह के एम्पलीफायर आप डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये तीनों डिज़ाइन कैसे होंगे, ये तीनों उन कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए से होंगे। ओके, तो नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं हमारे पास एफ ई टी एम्पलीफिकेशन की तरफ, तो एफ ई टी की जो हमारे पास एम्पलीफिकेशन है या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की जो एम्पलीफिकेशन है उसकी कुछ बेसिक्स को पहले देख लेते हैं कि हम फिर कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स की तरफ जाएंगे। तो अगर आप बेसिक्स को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे पास ट्रांसकंडक्टेंस है। ट्रांसकंडक्टेंस आपने स्टडी किया है इस पर, इसे आपने जब आप करेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे तो तब आपने इस चीज़ को स्टडी किया। ट्रांसकंडक्टेंस मीन्स कितना चेंज आता है ड्रेन करंट में विद द चेंज ऑफ VGS, मींस एक VGS के 1 वोल्ट के चेंज होने से ड्रेन के में कितना चेंज आ रहा होगा, उसे हम कहते हैं ट्रांसकंडक्टेंस। और अब एम्पलीफायर में एक और चीज़ बताने वाली है, वो ये है कि जब भी आप एम्पलीफिकेशन कर रहे होंगे तो आप फॉर डेवलपिंग योर अंडरस्टैंडिंग आप दो तरह के एनालिसिस कर रहे होंगे। और वो दो तरह के एनालिसिस के हैं, वो नॉर्मली आपके पास डीसी एनालिसिस, और डीसी एनालिसिस कौन से हैं कि वो जो आपको बायसिंग से पता चलती हैं। मींस आप डीसी एनालिसिस के ज़रिए से फाइनली क्यू पॉइंट बताते हैं कि क्यू पॉइंट क्या होगा, आपको क्या क्या रेजिस्टर और कौन सी बायसिंग यूज़ करनी है। और दूसरा है आपके पास एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस में एक्चुअली आप गेन बता रहे होंगे कि गेन कितना होगा, वो वोल्टेज के गेन भी हो सकता है, करंट के गेन भी हो सकता है, पावर गेन भी हो सकता है।
और उसके अलावा आप बता सकते हैं कि RL मीन्स लोड रेजिस्टर की कितनी रेंज है, उसके अलावा आप बता सकते हैं कि आपके पास जो इनपुट सोर्स है उसकी कितनी रेंज है, ये चीज़ें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। और इस टॉपिक से अगला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम ये भी बता सकेंगे कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की क्या रेंज है, ठीक है। तो ये हमारे पास AC एनालिसिस वगैरह में आ रहा है। तो इसलिए हम दो तरह से एनालिसिस के लिहाज से देख रहे होंगे, ट्रांसकंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू DC एनालिसिस, ट्रांसकंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू AC एनालिसिस। तो हमारे पास जो ट्रांसकंडक्टेंस है उसे हम GM से डोनेट करते हैं, और आपके पास चेंज इन VGS की वजह से ड्रेन करंट में कितना चेंज आता है उसे ट्रांसकंडक्टेंस कहा जाता है। तो DC और AC में डिफरेंस करने के लिए आपके पास DC में हमेशा कैपिटल लेटर्स यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, और हमारे पास AC में हमारे पास स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो वो जैसे आपके पास क्लियर है कि DC एनालिसिस में आपने ID को ID लिखा है और AC एनालिसिस में आपने उसे ID लिखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम चले जाएं तो हमारे पास जो चेंज है DC में उसे हम डेल्टा से शो करते हैं, डेल्टा मींस चेंज, और यहाँ पर भी चेंज। लेकिन जब आप इसी चीज़ को AC के लिहाज से कन्वर्ट करते हैं कि AC इटसेल्फ चेंज को शो करने के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए यहाँ पर कोई भी डेल्टा यूज़ नहीं किया गया। हमें पता है कि अगर हमने AID स्मॉल में लिखा है तो वो एक AC क्वांटिटी है, और AC क्वांटिटी की डेफिनेशन यही है कि वो चेंज हो रहा हो, और DC क्वांटिटी की डेफिनेशन ये है कि वो एक एग्जिस्टिंग पॉइंट पर फिक्स वैल्यू दे रहा हो, वो चेंज ना हो रहा, ठीक है। तो इसीलिए हमने डेल्टा को रिमूव कर दिया और उसकी जगह पर AC क्वांटिटीज़ को लगा दिए। तो हमारे पास अब ट्रांसकंडक्टेंस की दो तरह की अंडरस्टैंडिंग है, जो कि मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर्स में भी इसको डिस्कस किया और आपको बताया। जी सर, ये DC का जो आपने एक क्लब्स बोला था पहले, सर वो थोड़ा रिपीट कर दें। जी कौन सा सर, अभी तो याद नहीं आ रहा मुझे। DC के बारे में आपने बताया था कि सर जो वहाँ पे जब डेल्टा यूज करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे AC के लिए हम डेल्टा यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसके बाद जी हाँ, तो देखें मैं ये कह रहा हूँ कि DC की डेफिनेशन ये है कि DC चेंज नहीं होता, ये एक बहुत नॉर्मल सा ग्राफ है उसका। तो अब मुझे अगर चेंज बताना होगा इसके लिहाज से तो मुझे साथ में डेल्टा यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं ये बताऊंगा कि ये या तो ये वैल्यू होगी या तो ये वैल्यू होगी। तो डेल्टा ये बता रहा है कि अगर हमारे पास VGS वैल्यू मीन्स आपने ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस की हुई है इसलिए आपको पता होगा कि अगर आप लेट्स सपोज ई मॉसफेट की बात कर रहे हैं और VGS की वैल्यू ये है और फिर VGS की वैल्यू 2 हो जाती है, तो अब आप उसे डेल्टा से शो करेंगे कि VGS 1 से 2 हो जाएगा तो उसके लिहाज से करंट में कितनी चेंज आ जाएगी। तो करंट को भी इसी हिसाब से बताएंगे, करंट की या तो ये वैल्यू हो जाएगी या करंट की ये वैल्यू हो जाएगी, क्लियर। तो इस ये डेल्टा से बताने के लिए होता है, लेकिन जब आप AC में बताते हैं तो AC इटसेल्फ एक चेंजिंग क्वांटिटी है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, वो उसके लिए आपको डेल्टा बताने की ज़रूरत नहीं है, दो डिफरेंट पॉइंट्स बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इटसेल्फ चेंज हो रहा है फ्रॉम इट्स ओरिजिन टू इट्स पॉजिटिव पीक, देन कमिंग बैक टू ओरिजिन, फिर फर्दर डिक्रीजिंग टूवर्ड्स नेगेटिव पीक, ठीक है। तो वो इटसेल्फ आपके पास चेंजिंग, तो इसमें आपको कोई डेल्टा वगैरह के शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शायद यही बात की होगी। तो हमारे पास GM को, तो अब आपके पास आपको जो GM के लिहाज से फार्मूला ज़रूर याद रहने चाहिए वो यही है कि आपके ये तो आपको ट्रांसकंडक्टर्स में पहले से पता है, और इसका जिक्र भी मैं पहले कर चुका हूँ आपके प्रीवियस लेक्चर में। तो आप ID डिवाइडिंग बाई VGS कर रहे होंगे, जिससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ID फॉर AC। कि हमारे पास AC एनालिसिस के लिए अगर हमें ID की ज़रूरत होगी तो आप इसे यहाँ पर काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। ट्रांसकंडक्टर्स क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया उसे। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट सर्किट अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो आप ये याद है थोड़ा सा आप लोगों को कि ये किस चीज़ की डायग्राम है, किस चीज़ की इक्विवेलेंट डायग्राम है, ये आपने स्टडी की हुई है? यस सर, ये BJT की है।
ये बीजेटी की है, ठीक है, जिसमें बीजेटी का इक्विवेलेंट सर्किट आपकी अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बताने के लिए था कि एक जंक्शन है जिसको फॉरवर्ड बायस करना पड़ता है, उसके बाद आपको एक करंट मिलता है आईबी, और उस आईबी की वजह से आपको कलेक्टर टर्मिनल पर एक डिपेंडेंट सोर्स मिलती है। इस तरह की सोर्सेज को हम डिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज होगा तो प्लस माइनस आ रहा होगा, अगर करंट होगा तो एरो का साइन आ रहा होगा। इसका मतलब एक डिपेंडेंट सोर्सेज है, सोर्स है जो कि एक करंट सोर्स है, तो आपको आईसी मिल रहा होता है जो कि डिपेंडेंट होता है किस पे, आईसी इक्वल्स बीटा आईवी। तो ये चीज़ ये समझाने के लिए थी कि आपके पास, आपको पहले यहाँ से इसे फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, इसलिए बताया गया कि आपको करंट मिलेगा यहाँ पे, लेकिन वो किस चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो आईबी पे डिपेंडेंट है। और डिपेंडेंट होने का मतलब ये कि आईबी उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक आप इन दो टर्मिनल को फॉरवर्ड बायस ना कर दें, ठीक है, जो कि इमीटर और बेस, आई थिंक, ठीक है। तो आपके पास ये एक इक्विवेलेंट सर्किट था जिसके ज़रिए से आपको ये चीज़ समझाई गई थी और बताई गई थी। इसीलिए अभी हमें उसे एफईटी के लिहाज से भी देखना होगा कि हमारे पास इक्विवेलेंट सर्किट्स क्या हो सकते हैं, क्या चीज़ें हैं। तो अगर आप बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखते हैं तो आप क्या कहते हैं एफईटी को, एक इंसुलेटेड गेट, ऐसे ही ना, इंसुलेटेड गेट कहते हैं आप इसे, ठीक है। तो अब आप देखें, आपके पास यहाँ पर भी एक करंट सोर्स ही है, और वो करंट सोर्स क्या है, आईडी, मीन्स आपको ड्रेन पर एक करंट मिल रहा होगा जो किसकी वजह से होगा, चैनल बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स। जबकि गेट जो बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, इंसुलेटेड है, वो बिल्कुल किसी कनेक्ट टर्मिनल के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और दरमियान में हमारे पास, लेकिन गेट और सोर्स के दरमियान जो वोल्टेज है जिसे आप VGS कहते हैं, वो असल में कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ को, इस ड्रेन करंट को। तो ये ड्रेन करंट डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, VGS के ऊपर, और उसके लिहाज से फार्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, ID equals GM VGS, क्लियर। ये एक बड़ी सिंप्लीफाइड सी फॉर्म है, लेकिन आप देख रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात आपको डिपेंडेंसी के अलावा भी आपको लीकेज करंट मिल रहा है। लेट सपोज ड्रेन और सोर्स टर्मिनल के दरमियान आपको लीकेज करंट मिल रहा है। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं, तो आपका मेन टारगेट क्या है, आपका मेन टारगेट ये है कि गेट टर्मिनल पर कोई भी करंट ना आए, ऐसे ही ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट है कि गेट टर्मिनल पर जो करंट है वो बिल्कुल जीरो होना चाहिए। और दूसरा टारगेट ये है कि हमारे पास ड्रेन करंट इक्वल होना चाहिए सोर्स करंट के। और तीसरी चीज ये है कि हमारे पास, हमें ये पता है कि अगर गेट टू सोर्स वोल्टेजेस नहीं होंगी, मीन गेट टू सोर्स वोल्टेजेस नहीं है, तो हमारे पास कोई कंडक्शन नहीं हो सकती। अगर वो चैनल टू चैनल डिपेंड करता है कि हमारे पास चैनल्स क्या हैं, लेकिन हमें ये पता है कि हमारे पास, लेट सपोज गेट टू सोर्स वोल्टेज नहीं है, लेकिन फिर भी कंडक्शन पॉसिबल है। ये चीज़ तो कुछ और बता रही है ना, ये कह रही है कि हमारे पास VGS मस्ट है कि आपको चाहिए हो। लेकिन आपने ये देखा कि जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में अगर आप गेट टर्मिनल नहीं लगा देते, आप VGS को कर देते थे जीरो, तो क्या ड्रेन पर कोई करंट मिलता था आपको? यस सर, यस सर। उसकी वैल्यू क्या थी सर, किसके केस में, JFET के? आईडी VGS, हाँ JFET कह देते हैं सर। JFET के केस में IDSS होता सर, मैक्सिमम करंट। IDS मींस मैक्सिमम करंट आपको मिल रहा था, ऑल्दो कोई गेट टू सोर्स वोल्टेज नहीं। लेकिन क्या इस चीज़ को अगर हम इस फार्मूले में इम्प्लीमेंट करें, ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है, नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर इस चीज़ को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इसके साथ एक कंप्लीट मॉडल बनाते हैं। और जिस तरह से आपने डायोड के मॉडल्स पढ़े, तीन मॉडल्स पढ़े याद हैं, डायोड के तीन मॉडल्स, यस सर, आइडियल मॉडल, प्रैक्टिकल मॉडल एंड कंप्लीट मॉडल। तो इसे हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म या आइडियल मॉडल कह सकते हैं जो कि पहले से था, और अब हम स्लोली उस एक प्रैक्टिकल मॉडल की तरफ या कंप्लीट मॉडल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट मॉडल वो मॉडल है जिसमें आपके पास डायनेमिक रेजिस्टेंसेस भी ऐड हो रही होती हैं। तो इसका मतलब है कि अब आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, वो है RDS स्मॉल, और गेट कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है क्योंकि एक जंक्शन बना रहा है, हो सकता है कि लीकेज करंट गेट की तरफ भी आ रहे हो, तो उसे भी एक रेजिस्टेंस से शो किया गया है जिसकी वैल्यू है RGS।
ठीक है, तो ये एक दो मॉडल्स हैं जिन चीज़ों को समझाने के लिए आपको इक्विवेलेंट सर्किट बड़ी आसानी से समझाने के लिए बताया गया। तो अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली इसमें पूछ लें मुझसे। और ये एग्जैक्टली जो चीज़ हमने यहाँ पे डिज़ाइन की है वो यहाँ पे बनी हुई है। जी तो क्लियर है ये दोनों मॉडल, सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड कंप्लीट फॉर्म? यस सर। ओके, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म ये कह रही है कि हमारे पास करंट होगा आईडी, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पर होगा? वो आपके पास जीएम वीजीएस पर होगा। जीएम मींस ट्रांसकंडक्टेंस और वीजीएस मींस गेट टू सोर्स वोल्टेज, ठीक है। और कंप्लीट मॉडल में आप क्या कह रहे हैं कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ रही होंगी जो कि यहाँ पे पैरेलल आ रही होंगी और यहाँ पे सीरीज भी आ रही होंगी। अब थोड़ा सा नेक्स्ट मूव करना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज गेन हम कैलकुलेट कब करते हैं, जब हम कौन सा एनालिसिस करते हैं? एसी एनालिसिस। एसी एनालिसिस, ठीक है। तो जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो हम वोल्टेज गेन को स्टडी कर रहे होते हैं, और जब हम एसी एनालिसिस करते हैं तो हम वीसीसी या जिसे हम वीडीडी भी कह सकते हैं उसे हम कौन सा ग्राउंड कहते हैं? वर्चुअल ग्राउंड। और उसकी डिटेल्स आपको पता है, अगर नहीं पता तो प्रीवियस ईडीसी के लेक्चर से भी पता चल जाएगी। तो वर्चुअल ग्राउंड, तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है? हमारे पास ये चीज़ है कि हमारे पास ये जो सर्किट है ये समझ में आया, इसलिए मैंने वो थोड़ी सी ऊपर रुदात बांधी है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये सर्किट बना कैसे। ये सर्किट इसी सर्किट से आया है जो कि यहाँ पे मौजूद है, मीन्स ड्रेन और सोर्स टर्मिनल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और सोर्स आपको पता होता है कि वो ग्राउंड से कनेक्ट होती है, और आपके पास ड्रेन एक रजिस्टर से होती हुई और उसे आर डी का नाम दिए, स्मॉल डी। जी सर, ये जो कंप्लीट सर्किट बना हुआ है, जैसे आपने सिंप्लीफाइड सर्किट बनाया, तो उसमें मतलब इनपुट हमारी गेट से नहीं आ रही है, तो सर इसमें फिर आएगी मतलब जो हम वैल्यू लेंगे? हाँ, तो आप यही तो कहते हैं, आइडियल का मतलब होता है कि गेट पर बिल्कुल जीरो करंट होगा, लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब है कि कुछ ना कुछ करंट जरूर आ रहा होगा। तो ये कुछ ना कुछ करंट बगैर किसी पाथ के नहीं आ सकता, मीन जब ओपन है सर्किट तो वो आ ही नहीं सकता, लेकिन हम इसलिए कंप्लीट मॉडल में रेजिस्टेंस शो करते हैं कि कुछ ना कुछ करंट गेट करंट पर आ सकता है, क्योंकि हमें आइडियली ये चीज़ चाहिए, लेकिन आइडियल अचीव करना बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है अली? अच्छा जी सर, तो मैं भी आपको वो सर समझा रहा था। जी ये जो थोड़ा सा गेट से करंट आ रहा है सर, ये तो सिर्फ जेफेट के केस में हो सकते थे, क्योंकि उसमें तो डायोड वाला होता है ना कि रिवर्स बायस होता है, लीकेज करंट होता है। जी जी कैपेसिटेंस भी हो सकती है, कैपेसिटेंस, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन, ये सर वो तो क्योंकि सर डायोड में कैपेसिटिव इफेक्ट होता है ना सर। सर पर मॉसफेट में तो ये नहीं हो सकता सर, उसमें तो पूरी तरह इंसुलेटेड है। मैं इंसुलेटेड है मैं, लेकिन ये कह रहा हूँ कि जब आपके पास दो प्लेट्स हैं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी अगर आप तो पढ़ रहे हैं या पढ़ना है आप लोगों ने, तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी क्या कह रही है कि हमारे पास अगर दो प्लेट्स हैं वहाँ पे चार्जेस मौजूद हैं और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है तो इंड्यूस हो सकती है, ये जिसे बैक ईएमएफ कह सकते हैं आप, तो वो तमाम पैरामीटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। सही सर, तो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, तो दोबारा आ जाते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, करंट मूव हो रहा होगा, उस करंट को हमने क्या नाम दिया है? जी आईडी। तो हमने एक सिंपल सर्किट बनाया जिसमें गेट की तरफ की बायसिंग को यूज़ नहीं किया, लेकिन ड्रेन पर मैंने एक रेजिस्टर लगाया और वीडीडी। इसे आरडी स्मॉल में क्यों लिखा है बता सकते हैं? एसी एनालिसिस में लिख के कर रहे होंगे। वैसे रेजिस्टर पर कोई एसी और डीसी से फर्क पड़ता नहीं सर? आपकी आउटपुट अगर यहाँ पर कनेक्टेड है कौन सी आउटपुट होगी? वो आर एल लोड रजिस्टर, और आर डी को अगर मैं कैपिटल में लिख दूँ आर डी, तो अब समझ में आया आर डी स्मॉल में क्या होगा? जब एसी एनालिसिस कर रहे होंगे तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट?
यस सर, शॉर्ट होने का मतलब है कि आपके पास आरडी और आरएल, अब पैरेलल कैसे होते हैं उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो आपने पहले भी वैसे डिस्कस किया हुआ। तो आरडी मींस आरडी पैरेलल विद आरएल। तो अब हमारे पास जो कांस्टेंट सोर्स है वो वर्चुअल ग्राउंड की तरह परफॉर्म करती है, तो ये जो पूरा का पूरा हमारे पास रेड पोर्शन है ये यहाँ से उठकर मूव करेगा इस जंक्शन के पॉइंट से, और ये इस जंक्शन में आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा और उसे हम कह रहे होंगे आर डी, और फिर वो वर्चुअली ग्राउंड हो रहा होगा। तो अब हमें ये चीज़ बड़ी यहाँ से क्लियर भी नज़र आ जाती है कि आर डी पैरेलल विद आर एल। तो सिर्फ सर्किट में कुछ चेंज नहीं है, इन दो रेजिस्टर्स को पैरेलल में सॉल्व करके इनकी जगह पर एक रेजिस्टर है आर डी और ये नेम यूज़ किया गया आर डी, और फाइनली वो इसके साथ आपके पास यहाँ पर शो हो रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे सर्किट में नज़र आ रही है। तो देखें इस टर्मिनल पर, ड्रेन टर्मिनल पर आपके पास एक रेजिस्टर नज़र आ रहा है जो कि आर डी है, और आर डी इक्वल्स होता है आर डी पैरेलल विद आर एल। जी सर्किट में अभी कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? एग्जैक्टली मैं वहीं से इसलिए आपको लेकर आया हूँ कि आपको इस सर्किट में कन्फ्यूजन ना हो रही। तो यहाँ पर जो करंट होगा उसे हम कहते हैं आई डी विच इज़ इक्वल टू जी एम वी जी एस, ठीक है, और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज है वो इक्वल होती है गेट टू सोर्स वोल्टेज की। जितनी इनपुट वोल्टेज होगी वही गेट टू सोर्स वोल्टेज हमारे पास हमें मिल रही होगी, ठीक है। और हमारे पास जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो असल में किस पे, ड्रेन और सोर्स पर डिपेंडेंट है। क्यों ड्रेन और सोर्स पर है? क्योंकि ड्रेन और सोर्स पैरेलल हैं आर डी के, और आर डी पैरेलल है आर एल रजिस्टर के, और आर एल रजिस्टर मीन अगर हम इस प्रीवियस सर्किट पर दोबारा से आ जाएं तो ये एक टर्मिनल है ड्रेन और ये एक टर्मिनल है सोर्स। तो यहाँ पर इन दोनों के बिटवीन जो वोल्टेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स। अब देखें ड्रेन टू सोर्स पैरेलल है किसके, आर डी के, तो इसका मतलब है यहाँ पर भी जो वोल्टेज आ रहा होगा वो होगा वी डी एस, और आर एल भी पैरेलल है तो यहाँ पर भी जो वोल्टेज आ रहा होगा वो क्या होगा, वी डी एस। तो अब हमें एक और चीज़ ये पता है कि जब भी हम आर एल की बात करते हैं तो आर एल मीन्स आउटपुट तो जो आर एल पर वोल्टेज होगी उसे क्या कहा जाएगा, वी आउट। और अभी आपने ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि वी आउट, क्योंकि आर एल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो एग्जैक्टली क्या मिल रहा है, वी डी एस, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें वहाँ पे सर्किट में आपको नज़र आ रही हैं। तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, वी आउट इक्वल होगा वी डी एस की, आई डी इक्वल होगा जी एम वी डी एस की, और वी इन इक्वल होगा वी डी एस, ठीक है। ये तीन चीज़ें हैं जो आपको याद रहनी चाहिए, आई डी इक्वल्स जी एम वी जी एस, ठीक है, और आपके पास वी इन इक्वल्स वी जी एस और वी आउट इक्वल्स वी डी एस, ठीक है। अब हमारे पास गेन, गेन का फार्मूला सबको पता है, सिर्फ गेन का फार्मूला पूछ रहा हूँ। जी यस सर, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, गेन मीन्स आउटपुट डिवाइडिंग बाय इनपुट। वोल्टेज गेन का मतलब क्या हो जाएगा, कितनी आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड इनपुट वोल्टेज माय डिवाइडिंग बाय इनपुट वोल्टेज, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज डिवाइडिंग बाय इनपुट वोल्टेज। और आउटपुट वोल्टेज हमारे पास अब किस चीज की इक्विवेलेंट आई है, वो इक्विवेलेंट आई है वीडीएस की इक्विवेलेंट, और इनपुट वोल्टेज हमारे पास इक्विवेलेंट आई है वीडीएस। तो अगर आप इसी गेन को सॉल्व करेंगे फॉर वी डी एस एंड वी जी एस, क्योंकि आपके पास वी जी एस का फार्मूला है आई डी डिवाइडिंग बाय वी जी, आई डी डिवाइडिंग बाय जी एम, इस फार्मूले में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, ये यहाँ से है, जी एम को आपने वहाँ पे डिवाइड कर दिया तो बाकी रिमेनिंग फार्मूला आपके पास वी जी एस का आ जाएगा, ठीक है। और वी डी एस मीन्स क्योंकि वो पैरेलल आ रहा है इस आर डी रजिस्टर से, तो यहाँ एक करंट पास हो रहा होगा और उस करंट का नाम क्या होगा, आईडी, ठीक है। तो जो करंट यहाँ पर आईडी होगा और आरडी होगा तो उससे आप इस वोल्टेज को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि वीडीएस है, अदरवाइज वीडीएस के और फार्मूलाज भी मौजूद।
तो VDS equals ID RD. तो आप इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को इस फार्मूले में पुट करें, या यहाँ पर पुट करें जो हमने ड्राइव किया हुआ था. अब दोनों को पुट करेंगे तो आपको गेन का फार्मूला जो मिलेगा वो होगा ए वी इक्वल जी एम आर डी. ठीक है, तो गेन का फार्मूला है ए वी इक्वल जी एम आर डी. तो बीजेटी का किसी को गेन का फार्मूला याद है? बीजेटी फॉर बीजेटी सर आर सी अपॉन आर ई आर ई सर. तो कोई कन्फ्यूजन है अगर किसी तरह के भी इस क्वेश्चन में? और आर डी किस चीज़ की इक्विवेलेंट है वो आपको पता होना चाहिए. आर डी इक्वल्स आर डी पैरेलल विद आर एन. जी, तो इस स्लाइड में कोई कन्फ्यूजन किसी तरह की भी है? कोई कन्फ्यूजन नहीं है? अली क्लियर है? तो इसमें आपको ये फार्मूला याद रहना है. ठीक है, ए वी इक्वल जी एम आर डी, और बाकी आई डी के लिए आपको ये फार्मूला है, वीन के लिहाज से ये फार्मूला है, और वी आउट के लिहाज से ये फार्मूला. डेरिवेशन बहुत ज़्यादा रटने की उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर बिल्डअप करें कि आखिर ये चीज़ हो कैसे रही. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास गेन, क्योंकि हमने जो मॉडल कंटिन्यू किया था, अगर आपको याद हो, हमने जो मॉडल कंटिन्यू किया है वो कौन सा मॉडल था? सिंप्लीफाइड मॉडल, आइडियल मॉडल कह लें. अब हम बात करते हैं, मीन जब हम आर डी एस की बात करें तो इसका मतलब है हम कौन से मॉडल की बात करें? हम कंप्लीट मॉडल की बात करें. और कंप्लीट मॉडल अगर आप लोगों को याद है, कंप्लीट मॉडल में एक रजिस्टर है जो कि ड्रेन और सोर्स के साथ पैरेलल में मौजूद है. जो जो यहाँ पर टास्क है वो ये है कि इन तमाम चीज़ों पर फ़र्क क्या पड़ेगा, इन तमाम चीज़ों पर उस पैरेलल रजिस्टर से फ़र्क क्या पड़ेगा. तो हम वो पैरेलल रजिस्टर पहले लगा देते हैं. यहीं पे था पैरेलल और उसकी वैल्यू थी आर डी एस. अब अगर आप इसे इसी सर्किट को थोड़ा सा और अच्छी तरह से बना लें तो वो कुछ ऐसे होगा कि आपके पास यहाँ पर आई डी करंट है जो कि सोर्स से होते हुए ग्राउंड हो रही है, और आपके पास एक रेजिस्टर है जो कि इस ड्रेन टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल तक ग्राउंड हो रहा है, और एक और रेजिस्टर है जिसे मैं आरडी लिख रहा हूँ, लेकिन आरडी से आपको समझ में आना चाहिए कि आरएल और आरडी दोनों पैरेलल में मौजूद है. ठीक है, तो जैसे आपने इस आरडी के लिए इन दो पैरेलल रेजिस्टर्स की जगह पर रिप्लेस कर दिया एक रेजिस्टर से, मींस आरडी पैरेलल विद आरएल, तो अब हमारे पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल नहीं हो रहे होंगे. अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू के लिए हमारे पास तीन रेजिस्टेंस पैरेलल हो रही होंगी, ये आरडी इक्वल होता है आरडी पैरेलल ज्यादा. तो इससे क्या होगा कि इस पे अब सिर्फ आरडी पर डिपेंडेंट नहीं होगा गेन, गेन में आपके पास पैरेलल में एक और चीज़ भी आ जाएगी जो कि आरडीएस होगी. जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन है? ठीक है, तो हमारे पास पैरेलल में एक रेजिस्टर आ गया आरडीएस, तो अगर पैरेलल में रेजिस्टर को काउंट कर रहे होंगे तो उस पैरेलल रेजिस्टेंस को आपको गेन के फार्मूला में भी करना होगा. तो अब गेन क्या हो जाएगा कि अब ये आर डी एस और पैरेलल विद आर डी, मीन अब बहुत ज़्यादा गेन आर डी और आर एल पर डिपेंडेंट नहीं होगा, क्योंकि आर डी और आर एल को आप सम हाउ कॉन्स्टेंट कर सकते हैं. वो कैसे कर सकते हैं, कोई बता सकते हैं कि आर डी और आर एल को हम कैसे कॉन्स्टेंट कर सकते हैं? मीन इसका रिजल्टेंट सिर्फ आर डी कॉन्स्टेंट कैसे हो सकता है? यस सर, 10 टाइम्स इंक्रीज कर देंगे. 10 टाइम्स हमें आर डी से हमारे पास जो लोड रजिस्टर है वो 10 टाइम्स ग्रेटर होना चाहिए. ग्रेटर होने से आर एल को 10 टाइम्स ऑफ आर डी से. ठीक है, मीन्स अगर ये हमारे पास 10 ओम का है तो उसका 100 ओम होना चाहिए, तो आर डी कॉन्स्टेंट हो जाता है. लेकिन अब हमारे पास उस आर डी के साथ हमें एक और पैरामीटर भी देखना होगा जो कि हमारे पास आर डी एस हो. क्लियर, तो ये काइंडली अपने पास जहन में रखिएगा. तो हमारे पास ये गेन के फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया है वेन आर डी एस के इफेक्ट को देखा गया. ठीक है,
देख लें ये वही सर्किट है और फिर इन चीज़ों को आपस में सॉल्व किया गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर कि हमारे पास सोर्स रेजिस्टर की वजह से क्या फर्क, इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल, अब इंटरनल की बात नहीं हो रही, दो चीज़ों में डिफरेंस है, ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस की बात हो रही है इसीलिए इसके ऊपर डैश यूज़ किया जाता है। इसीलिए गेट टर्मिनल पर एक रेजिस्टर है जिसे RGS का नाम दिया गया है, उसके ऊपर भी डैश है, वो इंटरनल रेजिस्टेंस को शो करने के लिए होती है। अब नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस ऑन गेन। हमारे पास जो एक्सटर्नल सोर्स रेजिस्टेंस है मीन्स आप जो यहाँ पर RS रेजिस्टर लगाते हैं, क्यों लगाते हैं वैसे, ये हम बाइसिंग्स में लगा रहे होते हैं, इसलिए लगा रहे होते हैं कि हमारे पास, क्योंकि अगर आपने अब बायसिंग की बात कर लेते हैं कि अगर आपने सेल्फ बायस यूज किए, सेल्फ बायस याद है किसी को, सेल्फ बायस का सर्किट कैसे होता है, मींस ये अगर आपके पास जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, जी सेल्फ बायसिंग बताएं सर, गेट को हम लोग हाई रेजिस्टेंस के जरिए ग्राउंड कर देते हैं, हाई रेजिस्टेंस के जरिए ग्राउंड, सोर्स डायरेक्ट ग्राउंड, वोल्टेज जीरो होगा, सोर्स डायरेक्ट ग्राउंड हो जाएगा। अच्छा, और ड्रेन रेजिस्टर हमारे पास VDD से, बाकी भी यही समझते हैं कि ऐसे ही होगा। नो सर, ये जीरो बायस हो गया सर, नहीं एक सोर्स पे ये जीरो बायस है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में जीरो बायसिंग नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे भी जीरो वोल्टेज आ रहा है और यहाँ पे भी जीरो आ रहा है, तो अब हमारी मजबूरी है कि हम यहाँ पर एक रेजिस्टर यूज करें। वो रेजिस्टर क्या है, RS, क्योंकि अगर आपको जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की एक बात याद है तो मैंने बताया था कि वी सोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन गेट वोल्टेज, ठीक है, तो अगर रिसोर्स को ग्रेटर करना है गेट के लिए तो लाजमी है यहाँ पर कोई ना कोई रेजिस्टर हो जहाँ पर वोल्टेज, जिसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा हो, तो आपको इसकी ज़रूरत ज़रूर है। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अदरवाइज वो जीरो बायस हो जाएगा और जीरो बायस मींस वो आपके पास बिल्कुल सेचुरेशन रीजन में है, आप एक अच्छी एम्पलीफिकेशन अचीव नहीं कर सकते उससे, वो लीनियर ऑपरेशन, तो हमें इस RS रेजिस्टर की ज़रूरत है। क्योंकि बात चीज़ें हम ये समझ रहे होते हैं कि सर ये अगर इफेक्ट ज़्यादा डाल रहा है तो इसको माइनस कर देते हैं, इसको निकाल देते हैं, ठीक है, तो हम ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, वो ये है कि हमारे पास इसकी ज़रूरत तो है, इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि अगर हम सेल्फ बायस कर रहे हैं तो उसमें अगर हम इसे कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारे पास सेचुरेशन में आप चले जाएंगे और आपके अच्छा एम्पलीफायर डिज़ाइन नहीं हो पाएगा, आपके क्यू पॉइंट सही से डिज़ाइन नहीं हो पाएगा, तो अब ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत है DC एनालिसिस में। लेकिन जब आप AC एनालिसिस देख रहे हैं तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, उसे अभी हम स्टडी करते हैं कि इस सोर्स रेजिस्टर की वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये वाली सर्किट में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये वही प्रीवियस सर्किट चलता हुआ आ रहा है जो कि हमने सिंपल सर्किट को स्टडी किया, उसमें हमें पता चला है कि VN किस चीज़ की इक्विवेलेंट है और वो चीज़ किस चीज़ की इक्विवेलेंट है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जब आपके पास सोर्स रेजिस्टर है तो आपके पास एक और चीज़ ऐड हो रही है जो कि आपके पास सोर्स रेजिस्टर की वैल्यू की वजह से, मीन गेट टू सोर्स वोल्टेज प्लस उसमें ऐड हो रहा है आपके पास ये सोर्स रेजिस्टर का ड्रॉप, ठीक है, तो जो चीज़ जब आप सिर्फ रेजिस्टर का ड्रॉप करेंगे तो आपके पास जब आप इसकी कैलकुलेशंस की तरफ जाएंगे तो आपको जो गेन है वो समहाउ रिड्यूस होता हुआ नज़र आएगा, ठीक है, ये चीज़ हमें ये बता रही है गेन हमारे पास फर्दर रिड्यूस होने की तरफ जा रहा है, तो वो कैसे जा रहा है, क्योंकि आपके पास RS और गेन, अगर तमाम चीज़ों को कॉन्स्टेंट कर दूँ तमाम चीज़ों को, तो AV इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RS, ठीक है, गेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RS, तो अब हमारे पास RS की वैल्यू बढ़ाना है, वो क्यों बढ़ानी है, वो हमें DC में मजबूरी है, क्या मजबूरी है, वो मजबूरी ये है कि VS मस्ट बी ग्रेटर देन VG, तो हम चाह रहे होते हैं कि उसे बढ़ाएं, ठीक है, और जितना आप उसे बढ़ाते जाएंगे उतना आप क्यू पॉइंट में फर्दर मूव करते जाएंगे, ठीक है, तो ये तो यहाँ पे हमें यही रिक्वायरमेंट है, लेकिन गेन में उसके उससे मसला उलट हो रहा है कि आप जितना बढ़ाते जा रहे हैं उसकी वजह से गेन रिड्यूस होता जा रहा है, तो इसलिए आपको एक कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एक बिटवीन स्टेट में आना पड़ेगा कि आपका गेन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो रहा हो और आपका DC या क्यू पॉइंट भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो रहा हो,
ठीक है, तो अभी तक आपने तीन तरह के गेन के फार्मूलाज पढ़ लिए हैं। अगर मैं यहाँ पर लिस्ट कर दूँ तो एक गेन का फार्मूला ये है, ये उस वक्त होगा अगर आपने आरएस रजिस्टर लगाया है, क्योंकि अगर आप सेल्फ बायसिंग की बजाय वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग करते हैं तो क्या इस रिसोर्स रजिस्टर की ज़रूरत है? उसमें नहीं पड़ेगी। तो देख लीजिएगा कि हमें पड़ेगी या नहीं पड़ेगी या क्या सिचुएशन होंगी, ठीक है। लेकिन आपके पास जो सोर्स रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हमारे पास गेन का फार्मूला ये हो चुका है जो कि जी एम आर डी डिवाइडिंग बाय 1 प्लस जी एम आर एस, और अगर आर डी एस रजिस्टर ऐड हो जाता है तो तब हमारे गेन का फार्मूला चेंज होता है और वो होता है जी एम आर डी पैरेलल विद आर डी एस। ये सेकेंड फार्मूला जो अभी तक हमने स्टडी किया, और एक और फार्मूला आपने स्टडी किया कि अगर ना ही कोई सोर्स रेजिस्टेंस हो और ना ही कोई आर डी एस रेजिस्टेंस हो तो गेन का फार्मूला है ए वी इक्वल जी एम आर डी। तो आप काइंडली ये तीन फार्मूलाज फिलहाल तक आपके जहन में होने चाहिए कि हमने तीन फार्मूलाज नहीं है, फार्मूला सिर्फ यही है, इसमें माइनर चीज़ों का चेंज हो रहा है कि अगर आर डी एस हो जाएगा तो वो पैरेलल में आ जाएगा, अगर आर एस रजिस्टर मीन सोर्स का एक्सटर्नल रजिस्टर होगा तो वो डिवीजन में 1 प्लस जी एम आर एस के साथ डिवीजन में आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझे बताएं ताकि फिर हम आगे स्टार्ट करें। सर जी, ये जो वी जी एस वी जी इज ग्रेटर देन वी एस, सर ये कंडीशन तो सिर्फ उसके लिए थी सर, एन चैनल के लिए, पी चैनल के लिए तो नहीं थी सर? नहीं, पी चैनल के लिए नहीं। तो सर फिर ये उसमें क्यों नहीं वो कर सकते हम? नहीं, उसमें तो हमें, क्योंकि उसमें हमारे पास टोटल जंक्शंस ऑपोजिट हो जाते हैं, ठीक है, हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली रेसिप्रोकल है हमारे पास जो पी है। अब उसमें आप यहाँ पर उसमें एन चैनल मौजूद हैं, वहाँ पे उसके पी चैनल मौजूद हैं, तो आपकी बायसिंग ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर उसके इसके पी थे और उसके एन होते हैं, और दरमियान में हमारे पास पी चैनल मौजूद होते हैं, तमाम की तमाम कंडक्शन भी अपोजिट हो जाए, डायरेक्शंस भी अपोजिट हो जाती हैं और आपकी बायसिंग भी अपोजिट हो जाती है। सर उसमें तो आर सोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, उसमें क्यों जरूरत पड़ेगी, उसमें तो हमें पहले से ही डायरेक्शन वो अपोजिट देनी है, तब तो हमें आर सोर्स की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तो बताया गया तीन फार्मूलाज कि अगर आपको आर सोर्स की जरूरत नहीं है तो ये फार्मूला है, आपने आइडियल मॉडल पर रहना है तो ये फार्मूला है, आप कंप्लीट मॉडल पर जाओगे तो फार्मूला ये हो जाएगा। अगर आप कंप्लीट मॉडल से हटकर आर एस मीन सोर्स रजिस्टर भी आपने कनेक्ट किया तो फिर आपके गेन का फार्मूला ये हो जाएगा। इसीलिए तीनों चीज़ें नहीं समझिए, तो आपको सिर्फ तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए, मींस क्वेश्चन क्या है या आप किस सर्कमस्टांसिस में काम कर रहे हो, कि आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्ड कंप्लीट एनालिसिस की ज़रूरत है तब तो आप आर डी एस को काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप देख रहे हो कि आपने एक कन्फिग्रेशन ऐसी यूज़ की है उसमें सोर्स रजिस्टर यूज़ नहीं हुआ है तो फिर हमें इस फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, और अगर सोर्स रजिस्टर यूज हुआ है तो इस फार्मूले की ज़रूरत है। और अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं कि हम आइडियल कर रहे हैं और हमारे पास सोर्स रजिस्टर भी नहीं तो हमारे पास डायरेक्टली उसका फार्मूला मौजूद है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट ऑफ फोकस ये होगा कि आपको फोकस ये करना है इन ए क्वेश्चन या जो भी आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो आपको फोकस ये करना है कि आया मेरे पास सोर्स रजिस्टर कनेक्टेड है या नहीं है, या मैं आइडियल मॉडल की बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। तो फर्स्ट हम आ जाते हैं, सबसे पहले हमारे पास है कॉमन सोर्स एम्पलीफायर, ठीक है। तो हमारे पास जो कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है उसे देख लेते हैं हम, क्या कॉमन सोर्स एम्पलीफायर एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो बायसिंग कौन सी है पहले ये बता सकते हैं? वोल्टेज डिवाइडर। और ट्रांजिस्टर कौन सा है? ओ सर बीजेटी सर। ठीक है, तो आपके पास बीजेटी ट्रांजिस्टर है और बायसिंग जो है वो आपके पास वोल्टेज डिवाइडर बायस। बाकी सब कोई भी क्लियर है? ये थी, ये इसलिए सर्किट डायग्राम रखी गई है कि आपको क्लियर है एक चीज़ कि आपके पास आपने कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पढ़ लिया है तो उसमें आपको ये पता है कि आपने इनपुट अगर बेस पर प्रोवाइड किए और आउटपुट अगर आपने
कलेक्टर पर प्रोवाइड की है, तो ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने एग्जैक्ट अपनी उसकी तरफ कि हमारा अपना टॉपिक क्या है, डिस्कशन क्या है, ठीक है। तो ये कॉमन एमिटर, तो हमारे पास कुछ चीज़ें भी चेंज नहीं हो रही होंगी। इनपुट देखें, वही इनपुट मींस अब बेस से हटकर गेट टर्मिनल पर है, और आउटपुट अब कलेक्टर से हटकर आपके पास ड्रेन टर्मिनल पर है, ठीक है। तो अब आपके पास पहले ये देखना होगा कि ये बायसिंग कौन सी है, जी बायसिंग कौन सी है, ये जीरो बायस, सेल्फ बायस, जीरो बायस जेफेट में हो ही नहीं सकता, जीरो बायस सिर्फ एक ट्रांजिस्टर में हो सकता है, कौन सा है वो, अली बता सकते हैं, अली या साद या फैजान, जीरो बायसिंग सिर्फ एक ट्रांजिस्टर में हो सकती है, सर डी मॉस्फेट वाले में, डी मॉस्फेट, ठीक है, तो उसके अलावा नहीं हो सकती, तो इसलिए हमारे पास, और उसकी निशानदेही क्या है कि उसमें ये कि यहाँ पर भी जीरो वोल्टेज हो और यहाँ पर भी जीरो, लेकिन जब आप डीसी एनालिसिस करते हैं तो आपके पास ये जो रेजिस्टर है आरएस, इसके क्रॉस ड्रॉप जरूर होगा और वो जीरो नहीं होगा, तो इसलिए जो बायसिंग है ये है सेल्फ बायस, तो डीसी एनालिसिस बनाने का आसान तरीका है डीसी बायस बनाने का आसान तरीका ये है कि अब हम ये करते हैं कि जो कैपेसिटर्स हैं इनको ओपन कर देते हैं, तीन कैपेसिटर लगेंगे, तीनों को ओपन कर देंगे, ओपन करने के बाद हमारे पास वीडीडी अपनी जगह पर है, आरडी भी अपनी जगह पर है, ट्रांजिस्टर भी अपनी पोजीशन पर मौजूद है, और आरएस रेजिस्टर भी है, और आपके पास यहाँ पे गेट रेजिस्टर। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो सबसे पहले आप कैपेसिटर्स को हटाकर ये सर्किट बना लेंगे, और ये सर्किट कौन सा होगा, ये डीसी बाय एनालिसिस का होगा, ठीक है। तो डीसी एनालिसिस ऐसे ही होता है ना कि आपने कैपेसिटर्स को ओपन कर दिए, अब हमें यहाँ पर साबित ये होता है कि अगर हमें गेट वोल्टेज ज़ीरो करनी है तो हमें ये पता है कि अगर ये सेल्फ बायस है तो हमें VS को ग्रेटर करना होगा VG से, तो उसके लिए यहाँ पे ड्रॉप ज़रूरी है, तो इसलिए हमें RS की ज़रूरत है, RS मस्ट है कि हम यूज़ कर रहे हो, हम अच्छी बायसिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया DC एनालिसिस। तो जो आपने एम्पलीफायर बनाया है आपको ये पता है कि ये कैपेसिटर क्यों लगाया है, ये कपलिंग कैपेसिटर है, ये भी एक कपलिंग कैपेसिटर, ये दोनों क्यों लगाए गए, ताकि डीसी और एसी कपल ना हो रहे हैं, ऐसे ही ना, हमारे पास जो डीसी वोल्टेज और एसी वापस में कपल ना हो रहे। अब बता सकते हैं इसका रीजन क्या है कि ये हमने क्यों लगाया बाईपास कैपेसिटर, सर ताकि जब एसी एनालिसिस हो तो जो गेन पे सोर्स की वजह से इफेक्ट आता है वो ना हो, एसी एनालिसिस में क्योंकि ये कैपेसिटर ओपन तो उसकी वजह से गेन के फार्मूले में डिग्रीज आएगा, वो किस वजह से होगा, वो इस फैक्टर की वजह से होगा, तो इस फैक्टर को खत्म करने का एक तरीका ये है कि आरएस रेजिस्टर लगाया ही ना जाए, क्योंकि आरएस रेजिस्टर अगर नहीं लगा होता तो आपके पास फार्मूला ये होता, देखें ये, तो अब आरएस मजबूरी है कि उसे डीसी एनालिसिस में लगाया जाए, लेकिन एसी एनालिसिस में हमें ये चीज़ नज़र आती है कि एसी एनालिसिस में हम इसे बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको ये कैपेसिटर लगाया जाता है जिसे आप बाईपास कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है। बाकियों को क्लियर है बाईपास कैपेसिटर के बारे में भी, अली क्लियर है, तो अब हम बात कर लेते हैं एसी पर।
अब हम बात कर लेते हैं एसी एनालिसिस की। एसी एनालिसिस में क्या होगा, अब हमारे पास ये कैपेसिटर शॉर्ट हो रहे हैं, शॉर्ट मींस जीरो रेजिस्टेंस, शॉर्ट मींस, और फिलहाल तक शॉर्ट देख रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस में इसे देखेंगे कि ये शॉर्ट नहीं है, कि फिलहाल तक हम इसे शॉर्ट समझते हैं, और ये भी शॉर्ट हो जाएगा मींस जीरो ऑन रेजिस्टेंस। तो उससे एसी एनालिसिस में होगा क्या, उससे एसी एनालिसिस में होगा कि ये जब आपके पास यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है तो आपके पास डायरेक्टली ये इनपुट है और ये यहाँ से आरजी रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा और फिर ये जा रहा होगा ट्रांजिस्टर की बेस गेट पर टर्मिनल के साथ, और सोर्स टर्मिनल जो है क्योंकि जीरो ओम रेजिस्टेंस पैरेलल विद सम आरएस रेजिस्टेंस जो कि 560 ओम, 470 ओम या 220 ओम होगा जो कि वे ग्रेटर है हमारे पास इस जीरो ओम रेजिस्टेंस से, तो हमारे पास ये सोर्स टर्मिनल बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा और एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा, ठीक है, क्योंकि वो बाईपास हो जाएगा इस कैपेसिटर की वजह से, और हमारे पास जो ड्रेन रजिस्टर है वो ड्रेन रजिस्टर यहाँ से हटकर वर्चुअल ग्राउंड के लिहाज से यूँ आ जाएगा। ये सर्किट्स आपने पहले एसी एनालिसिस में स्टडी की हुई फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट सब्जेक्ट में, और आरएल रजिस्टर पहले से यहीं पे मौजूद है। तो ये एक एसी एनालिसिस की सर्किट डायग्राम है जो कि हमारे पास एक एम्पलीफायर से बनाई जा सकती है, और ये कभी ऐसे बनती नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए होती है कि एसी एनालिसिस में ऐसे हो जाएगा और डीसी एनालिसिस में ऐसे हो जाएगा, क्योंकि आपको दो अलग तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, आपको क्यू पॉइंट्स अलग से फाइंड करने हैं, तो आप अपनी आसानी के लिए इस एम्पलीफायर के सर्किट को डिज़ाइन करते हो फॉर डीसी एनालिसिस, और आप अपनी आसानी के लिए उसे फिर एसी एनालिसिस भी डिज़ाइन कर देते हो, ठीक है जी। तो एसी एनालिसिस की सर्किट डायग्राम बनाने में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। ओके, तो अब एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास, हमने बात की थी आरडीएस रेजिस्टर की, तो अगर वो आरडीएस रेजिस्टर होगा तो वो कहाँ पर आएगा, वो यहाँ पर आएगा, किसी और कलर से बना देते हैं, तो हम यहाँ पर एक और रजिस्टर होगा और वो ग्राउंड हो रहा होगा, उसका नाम होगा आरडीएस, क्लियर, तो वो यहाँ पर आए, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि हमारे पास क्या होगा। अगर इनपुट रेजिस्टेंस होगी मीन्स जो आर इन रेजिस्टेंस है या आरसी रेजिस्टेंस है वो इधर पैरेलल में आती जाएगी, तो ये बेसिक अंडरस्टैंड। जी सर एक सवाल, ये जो आरडीएस है आर डैश डीएस, सर इसकी वैल्यू छोटी होती है कि काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस होती है? ये डिपेंड करेगा, ये देखें आपके पास जब ड्रेन टू सोर्स अगर चैनल मौजूद है, एक ट्रांजिस्टर है उसमें चैनल मौजूद है, जब चैनल का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम है तभी कंडक्शन स्पीडअप हो रही है, जैसे डी मॉस्फेट और उसमें जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, इन नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और इसी तरह से ई मॉस्फेट में पहले से चैनल मौजूद नहीं है तो वहाँ पर ये रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि चैनल ना होने का मतलब है ओपोजिशन टू द करंट, और ओपोजिशन टू द करंट का मतलब है रेजिस्टेंस। अच्छा अब देख लेते हैं कि हमारे पास, आपको ये पता है कि आरजी क्यों यूज होता है, ताकि गेट वोल्टेज पर जीरो डीसी वोल्टेज है, ठीक है, और हमारे पास वीन के जो हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होगा उसकी वजह से वीजीएस स्विंग कर रहा होगा वीजीएस क्यू के अक्रॉस, ये बात पता है, ये इसकी बात हो रही है। अगर आपको ग्राफ्स याद हैं और पता है आपको फ्रॉम दी ईडी सी, आपने क्यू पॉइंट लेट सपोज यहाँ पे बायस किए, तो ये जो रेफरेंस बनता है इसे हम कहते हैं वी जी एस क्यू, मीन क्यू पॉइंट पर वी जी एस की वैल्यू क्या है, और इस रेफरेंस को हम कहते हैं आई डी क्यू, कि क्यू पॉइंट पर क्या रेफरेंस बन रहा है, और फिर हमारे पास ये दो चीज़ें हमें एज अ लिमिट पता चलती है, और हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज होता है वो स्विंग कर रहा होता है इस क्यू पॉइंट के क्रॉस, जिसके लिहाज से हमारे पास आउटपुट हो रही है ड्रेन करंट चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये बात लिखिए कंप्लीट, अगर आगे तक पढ़ेंगे तो ये होगा इनपुट
स्विंग कहाँ पे करता है, VGS के VGS क्यू के अक्रॉस, और उसकी वजह से स्विंग आता है किस में, ड्रेन करंट पे. और जब ड्रेन करंट में स्विंग आता है तो उसकी वजह से VDS जो आपके पास थर्ड एक्सिस पर आप VDS को शो कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक रेफरेंस होगा VDS क्यू. और VDS क्यू के अक्रॉस आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज है वो स्विंग कर रहा हो. ठीक है, तो ये एक इस ग्राफ के ऐसी एनालिसिस की बात हो. तो मैंने आपको यही बताया था पहले भी कि जब आप डीसी एनालिसिस करते हैं तो आपके पास डीसी एनालिसिस में अगर आप इन एसी वेवफॉर्म्स को हटा दें तो ये जो सर्किट है, ये जो आपको वैल्यूज तीन नज़र आ रही हैं, आई डी क्यू, वी जी एस क्यू, वी डी एस क्यू, और इसके साथ एक और भी कुछ वैल्यूज और भी होंगी जैसे आई डी एस एस और वी जी एस ऑफ, ये तमाम की तमाम आपको वैल्यूज किससे मिलेंगी, ये डीसी एनालिसिस से मिलेंगी. क्लियर है ना ये बात आप लोगों को? यस सर. और एसी एनालिसिस के लिए जब आप एसी एनालिसिस की बात कर रहे होंगे तो एसी एनालिसिस की बाद ही आपको ये पता चलेगा कि कितना वीजीएस स्विंग कर रहा है, उसकी वजह से ड्रेन करंट में कितना स्विंग आ रहा है, और उसकी वजह से आपके पास आउटपुट वोल्टेज में कितना स्विंग हो रहा है. क्लियर? और आपको इधर से लिमिट्स भी पता है, ये अगर मैं इसे ग्रीन कर दूं तो आपको लिमिट भी पता होगी कि ये एक लिमिट भी है, ये ड्रेन करंट के लिए दो लिमिट्स हैं और ये वीजीएस के लिए लिमिट्स. क्लियर? तो वो यहीं पे आ रहा है. और इंक्रीज इन आईडीएस की वजह से आपके पास वीआरडी अक्रॉस आरडी रेजिस्टर, मीन जिस आरडी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज इंक्रीज होता है जिसकी वजह से ड्रेन वोल्टेज डिक्रीज हो रही होती है. ड्रेन वोल्टेज क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि अगर आपको वीडी का फार्मूला पता हो, पता है वीडी का फार्मूला, वो होता है वीडी माइनस आईडीआरडी. और ये एक्सेल में आईडीआरडी है क्या, इसे अगर मैं लिख दूं तो ये होता है वीडीडी माइनस वीआरडी, मींस आरडी रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप. कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर रहे होते हैं. तो कहने का मकसद ये है कि जितना आप इंक्रीज करेंगे आईडी को, उसके इंक्रीज की वजह से वीआरडी इंक्रीज हो रहा होगा और ये माइनस हो रहा है वीडीडी में, जिसकी वजह से आपके पास वो 180 डिग्रीज का फेस शिफ्ट आपको नज़र में आता है. ठीक है, और ये आपको पता है कि इसकी इनपुट रेजिस्टेंस आपके पास वेरी हाई है क्योंकि गेट आइसोलेटेड है, और वो अगर हम आइडियल कंडीशन को देख रहे हैं तो हमारे पास गेट आइसोलेटेड होगा उसमें से. ठीक है, तो एक बेसिक रीडिंग्स थी और फिर हम फर्दर इसकी आगे और डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास कॉमन सोर्स एम्पलीफायर्स के लिहाज से और क्या क्या चीज़ें हैं. तो दो चीज़ें आपको यहाँ से पता चलनी है, डीसी एनालिसिस का सर्किट और उसका ग्राफ, एसी एनालिसिस का सर्किट और उसका ग्राफ. ठीक है, तो ये सामने उन्होंने डिस्कस भी किया हुआ है. क्योंकि अब देखते हैं कि ये वी इन और वी जी एस का रिलेशन क्यों है, वैसे कि वी इन वी जी एस पर क्यों है, वी डी एस पर क्यों नहीं है, ये इसलिए हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी है वी इन इक्वल्स वी जी एस, उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन भी मैंने बताई, और वी आउट इक्वल्स वी डी एस. इस वजह से गेट टू सोर्स का जो क्यू पॉइंट है उसके ऊपर इनपुट वोल्टेज स्विंग कर रही है, जिसकी वजह से आपको एक इन्वर्टेड लेकिन एम्पलीफाइड सिग्नल मिल रहा है. ठीक है, ये कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की डेफिनेशन. जी सर, ये वी इन वी जी एस के बराबर जब हो गया, ये एसी की बात हो रही है? जी जी, एसी की बात हो रही है, सिर्फ एसी स्विंग की बात कर. यस सर, सही है सर. सिर्फ मैंने रिलेट इसलिए किया कि हम ये देख रहे हैं कि हम क्यों वी जी एस क्यू के अक्रॉस वो स्विंग क्यों कर रहा है, तो मैंने उसको रिलेट करने के लिए आपको ये चीज़ बताई. मीन्स ये क्यों वी एन वी डी एस के अक्रॉस स्विंग नहीं कर रहा. ठीक है, तो वो इसलिए कि वी जी एस क्यू के अक्रॉस वी जी एस स्विंग करेगा और वी डी एस क्यू के अक्रॉस वी डी एस स्विंग करेगा, जो कि इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेज है हमारी. तो इन शॉर्ट, ये इनपुट वोल्टेज है हमारी और ये हमारे पास एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज है. जी क्लियर?
तो सेम एज कॉमन एमिटर एम्पलीफायर। अब बात कर लेते हैं कॉमन सोर्स एम्पलीफायर के फर्दर उन चीज़ों के ऊपर। हम ये ग्राफ याद है, इसकी आपने अभी भी करेक्टरिस्टिक्स भी परफॉर्म की हुई हैं फॉर तकरीबन आल रेजिस्टर्स जो कि हमारे पास जे फेट है, डी मॉसफेट है, डी मॉसफेट है। इस एक्सिस पर बता सकते हैं ये किस चीज़ को शो कर रहे हैं, कौन सी वोल्टेज को शो कर रहे हैं? सर ये VGS, ये VGS को। और अगर और ये अगर हमारे पास जे फेट ट्रांजिस्टर है, क्योंकि हमने सर्किट पीछे जे फेट का देखा है, तो अगर ये जे फेट है तो कितना वोल्टेज होगा ये? सही पिंच ऑफ, सॉरी सर, जीरो जीरो पिंच ऑफ होगा, ये जीरो। और इस पर आपको एक करंट मिलेगा जो कि मैक्सिमम, ये पॉइंट है जिसे आप पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं। लेकिन पिंच ऑफ वोल्टेज किस एक्सिस पर आता है? वो एक्सिस पर आता है VDS की। और आपको ID के लिहाज से ये वैल्यू क्या होगी इसका बता सकते हैं सर? IDSS, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर ये तमाम क्योंकि VGS हैं तो ये इंक्रीज हो रही होंगी या डिक्रीज हो रही होंगी, क्या होगा सर? डिपेंड करता है, जे फेट है मैंने लिख दी इसीलिए। ये सर चैनल पर डिपेंड करता है, ये कौन सा चैनल है? एन चैनल, एन चैनल सो सर डिक्रीज हो रही होगी। एन चैनल में हमारे पास इसे हम -1, -2, -3 और सो ऑन करते करते हम उस चीज़ पर पहुँच रहे हैं। तो अब आपको बताने का मकसद ये कि क्यू पॉइंट आपने कैसे सेट किया। आपने क्यू पॉइंट अगर ये चीज़ सेट की है, मीन्स ये क्यू पॉइंट है, तो इस जगह पर आपको VGS की एक वैल्यू मिलेगी जो कि VGS क्यू होगा, जो अगर हम इसी सीक्वेंस से आए तो ये -4 है, ये -5 है और ये हमें -6 मिलेगी। तो ये VGS क्यू होगा और हमारे पास VGS, देखें ये लिखा हुआ है VGS AC में, तो हमारे पास VGS इसके क्रॉस स्विंग कर, ठीक है। और हमारे पास इसी Q पॉइंट के लिहाज से एक करंट की भी वैल्यू होगी, और वो करंट की वैल्यू जो भी होगी उसे हम IDQ कह देंगे, और हमारे पास जो आउटपुट करंट होगा वो इसके क्रॉस स्विंग कर रहा होगा। और हमारे पास जो थर्ड चीज़ है वो ये है कि हमारे पास आउटपुट वोल्टेज, मीन जो हमारे पास वी आउट है जिसे आप VDS कहते हैं, वो इसी क्यू पॉइंट के लिहाज से, क्योंकि इस क्यू पॉइंट के लिहाज से आपको थर्ड रेफरेंस मिलता है VDS क्यू, और उसके लिहाज से फिर आपके पास उस इनपुट की डिपेंडेंसी के लिहाज से और गेन में बायसिंग के लिहाज से, मीन्स देखना होगा कि गेन का डायरेक्ट फार्मूला GMRD है, देखना होगा कि RD की वैल्यू क्या है, GM की वैल्यू क्या है, और उसके लिहाज से गेन की वैल्यू क्या आ रही है, या आपके पास जो फार्मूला है उसमें आपने कंप्लीट मॉडल को डिस्कस किया है। अगर आपने कंप्लीट मॉडल को डिस्कस किया है तो हमारे पास RDS की वैल्यू भी आ रही होगी, ठीक है। अब मैं एक और फोर्थ फार्मूला लिखने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों ने नॉर्मली उसमें नहीं स्टडी किया है, कि अगर आपके पास आपने कंप्लीट मॉडल को भी डिस्कस किया है और आपके पास RS रजिस्टर भी है, तो आपके पास फार्मूला चेंज हो जाएगा 1 GM RS। तो ये तीन तरह के फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, एक सिंपल अगर आप ग्रीन को देखें, और एक अगर आप ग्रीन और रेड को देखें, और अगर तीसरा आप फार्मूला देखना चाहते हैं तो वो ग्रीन और ब्लू को देख लें, और फोर्थ फार्मूला है कि ग्रीन रेड एंड ब्लू सबको कंबाइन मिले। तो अगर आप सिर्फ ग्रीन को देखते हैं तो इसका मतलब है आइडियल मॉडल और RS रेजिस्टर नहीं है, क्लियर। दूसरी चीज़, अगर आप ग्रीन और रेड को देखते हैं तो इसका मतलब है कि आप प्रैक्टिकल कंप्लीट मॉडल को देख रहे हैं और RS रेजिस्टर नहीं है, ठीक है। थर्ड, आप ग्रीन और ब्लू को देखते हैं, ग्रीन और ब्लू को देखने का मतलब ये है कि आप आइडियल मॉडल को देख रहे हैं और RS रेजिस्टर इंक्लूडेड है, ठीक है। फोर्थ, अगर आप ग्रीन रेड और ब्लू तमाम पूरे के पूरे फार्मूले को देखें तो इसका मतलब है आप कंप्लीट मॉडल को भी देख रहे हैं और आप सोर्स रेजिस्टर भी कनेक्टेड है। तो ये क्लियर हुआ, ये चार फार्मूलाज? यस सर। तो वो इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है, इसी लिहाज से फिर आपके पास VDS क्यों यहाँ से आपके पास स्विंग हो रहा हो, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम हमेशा
बीजेटी का अगर ग्राफ हो, मीन्स इस ग्राफ में भी मैं आता हूँ कि ये ग्राफ कैसे होगा, वो कैसे होगा, थोड़ी सी मैं डिटेल्स में डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा, बीजेटी का याद है किसी को? बीजेटी, बीजेटी हम डिजाइन कैसे करते थे? क्या चीज सर? बीजेटी का ग्राफ पहले डीसी एनालिसिस का सर बता स्ट्रेट लाइन सर, आईसी सेचुरेशन, आई थी वीजीपी कट ऑफ, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता था वीसी कट ऑफ, ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और दूसरा फिर आपके पास क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट में आपको दो चीजें पता चलती हैं, बल्कि तीन चीजें कहेंगे उसमें, तीन रेफरेंस पता चलेंगे। रेफरेंस क्या होंगे? एक होगा आपके पास VCE, जिसे अगर आप अभी अपने वाले इससे रिलेट करना चाहें तो उसे कह देते हैं VCEQ, ठीक है, और अगर अभी इसको रिलेट करें तो इसको कह देते हैं हम ICQ, ठीक है, और अगर हम इसे रिलेट करें तो इसे हम कह देते हैं IBQ। ठीक है, ये तो याद है। इसी डीसी यस सर, एनालिसिस से फिर आपको ये लिमिट्स पता चल जाती हैं कि ये लिमिट है, ये इससे ज़्यादा मैक्सिमम आप जा नहीं सकते, ये लिमिट है इससे ज़्यादा मैक्सिमम आप जा नहीं सकते, ठीक है। ये एक डीसी एनालिसिस से आपको सर्किट डायग्राम मिलती थी। फिर आप जब एसी एनालिसिस कर लेते थे तो एसी एनालिसिस में ये होता था कि आपको ये पता चलता था कि आपने कोई आईबी क्रिएट किया, क्योंकि आईबी मेन सोर्स था, वो आईसी डिपेंडेंट था आईबी पर, तो आईबी में आपने कोई करंट यूज़ किया है और उस करंट के यूज़ करने की वजह से आपके पास आईसी में कुछ चेंज आया है जो कि इंक्रीज है इन टर्म्स ऑफ गेन, करंट गेन, और इस आईसी के लिहाज से फिर आपको यहाँ पे VCEQ की वोल्टेज मिल रही थी। तो ये रेड कलर में आप फिर इस तरह से ग्राफ में इन चीज़ों को शो कर दी। तो आपने तीन एक्सेस को यूज़ किया था, आपने यूज़ क्या किया था, थोड़ा सा रिलेट करें आउटपुट करंट इन रिलेशन विद इट्स डिपेंडेंसी की, जिस चीज़ के ऊपर वो डिपेंडेंट है, यहाँ पर वो करंट पे डिपेंडेंट है, और FET की अगर हम बात करेंगे तो वो गेट टू सोर्स पर डिपेंडेंट है, और इस एक्सिस पर आपने आउटपुट वोल्टेज को डिस्क्राइब किया है आउटपुट वोल्टेज के लिए, जो कि इसके, तो अगर हम IC की जगह रिप्लेसमेंट देखेंगे तो वो हमारे पास ID हो जाएगी, IB की रिप्लेसमेंट देखेंगे तो वो VGS हो जाएगी, और VC की रिप्लेसमेंट देखेंगे तो वो VDS हो जाएगी। क्लियर? तो ये BJT का अगर आपको ग्राफ क्लियरली पता है, तो अगर मैं इससे पहले का ग्राफ बना दूं तो BJT के ग्राफ भी कुछ ऐसे ही बनता है कि उसमें आपको डिफरेंट IBs मिल रहे होते हैं जिनके लिहाज से आप एक क्यू पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपके लिए दोबारा से इसी की रिलेशन में वही चीज़ बना देता हूँ कि अब हमारे पास जो FETs हैं वो कैसे होंगे। तो FETs में हमारे पास, या जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में, हमारे पास DC एनालिसिस से एक चीज़ पता चलेगी, वो होगा IDSS, मीन सेचुरेशन करंट, ठीक है। इस तरह से इस एक्सिस पर आपको एक चीज़ पता चलेगी, वो होगी पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक है, और इस एक्सिस पर होगा VDS, जो कि वहाँ पे VCE था, यहाँ पर हमारे पास ID होगा जो कि वहाँ पे IDSS था, ठीक है। नेक्स्ट हमें ये पता है कि ग्राफ में हमारे पास डिफरेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिहाज से डिफरेंट चीज़ें हमारे पास आ रही होती हैं, ठीक है। तो आपने कोई एक गेट टू सोर्स वोल्टेज के लिहाज से हम ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो चीज़ हमारे पास आई है ये है VGSQ, ठीक है, और इसके लिहाज से हमारे पास एक आईडी की वैल्यू आई है
जिसे आप कहोगे IDQ, ठीक है, ये सिर्फ मैंने एक लाइन ली है जो कि VGSQ लेट सपोज -6 जो हमने वहाँ पे यूज की, और इसके लिहाज से कोई आपकी VDS की वैल्यू भी आ रही होगी जो क्यू पॉइंट के लिहाज से आएगी। तो FET के ग्राफ को दो तरह से शो किया जा सकता है, VGSQ, IDQ, VDS। तो आपके पास फिर इस यहाँ से आपको इसकी लिमिट्स भी पता चलेंगी कि IDQ को आप फर्दर इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अब अगर मैं इसे, ये DC एनालिसिस हो गया हमारे पास, अगर हम इसे उस चीज़ में शो करेंगे AC एनालिसिस में, तो सबसे पहले ये होगा कि गेट टू सोर्स वोल्टेज इस वोल्टेज के ऊपर स्विंग हो रही होगी और इसकी वजह से ID करंट चेंज हो रहा होगा, और उसके चेंज होने की वजह से यहाँ पर इसके लिए भी लिमिट्स बना देते हैं, और हमारे पास यहाँ पर VDS चेंज हो रहा होगा, ठीक है। तो ये एक ग्राफ होगा जो कि हमने एक ही एक्सेस में तीनों चीज़ों को शो कर दिए, VGS, IDS, ID और VDS को, एक DC एनालिसिस में भी और AC एनालिसिस में। लेकिन BJT में ये था कि उसमें इसी एक्सेस में आपके पास एक लाइन आ जाती थी जिसके लिहाज, जो आपके पास उसकी DC लोड लाइन थी जिसके लिहाज से आप कट ऑफ पॉइंट भी बताते थे और आप ग्राफ भी बता सकते थे कि मैक्सिमम लिमिट्स और क्या चीज़ें। लेकिन FET में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि हम इस ग्राफ को बजाय इसके कि हम इस तरह से शो कर रहे हों जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, हम उसे शो कर रहे होंगे कुछ इस तरह से तीन एक्सिस के लिहाज से। तो तीन एक्सिस कौन कौन से होंगे अगर आप लोग बता दें। एक एक्सिस होगा हमारे पास ID, एक होगा हमारे पास माइनस की तरफ VGS, और एक पॉजिटिव की तरफ होगा VDS, ठीक है। तो आपको उसका ग्राफ में दो चीज़ें पता चल जाएंगी, वो एक DC एनालिसिस की बात हो रही है तो हमें पता चल जाएगा IDSS, SS, और दूसरी चीज़ हमें पता चलेगी VGS ऑफ, और आपको इसके ग्राफ भी मिलेगा जो कि डिपेंडेंट है किस चीज़ पर, GM पर। GM क्या चीज़ है, ट्रांसकंडक्टेंस, ठीक है। अच्छा, अब इस ये दो चीज़ें मिलने के बाद अब आपको एक क्यू पॉइंट मिलेगा, ठीक है, और क्यू पॉइंट से आपको तीन रेफरेंस मिलेंगे। क्यू पॉइंट से एक रेफरेंस मिलेगा आपको फॉर दिस जो कि होगा ID, और से इस टर्म में हम कहेंगे IDQ। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है, IDSS, VGS ऑफ IDQ, तीन चीज़ें होंगी। फिर आपको एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है जो कि होगा VGSQ, ठीक है, और इसी तरह से इनके लिहाज से कोई VDS की वैल्यू आ रही होगी और वो लिखा जाएगा VDSQ। ठीक है जी, तो ये तीनों चीज़ें लिखने के बाद आपको लिमिट्स पता चल जाएंगी। ID की लिमिट्स ये हैं, और यहाँ पर इसकी ग्रीन के ऊपर ही लिमिट आ रही है 0, और VGS के लिए आपके पास ये लिमिट है, और इसी तरह से हमारे पास VDS के लिए ये लिमिट होगी। मिनिमम लिमिट ये हो सकती है, और मैक्सिमम लिमिट बता सकते हैं क्या हो सकती है VDS के लिए? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, पिंच ऑफ तो बहुत पहले आ जाता है, पिंच ऑफ तो यहाँ पर हो, पिंच ऑफ से पहले तो कंडक्शन स्टार्ट नहीं हो सकती ना, वो तो ऑफ रीजन में रहेंगे। आपने करेक्टरिस्टिक्स परफॉर्म की हुई है, थ्रेशोल्ड सर, दो थ्रेशोल्ड नहीं, अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स याद है, एक रीजन होता है ओहमिक रीजन। ओहमिक रीजन जैसे ही अपने पीक पीक पर पहुंचता है उसे हम सेचुरेशन कहते हैं, और उसी पॉइंट को हम पिंच ऑफ वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो असल में यहाँ पर आपके पास एक और जो लिमिट आ रही होगी वो पिंच ऑफ वोल्टेज के लिहाज से भी आ रही होगी VP, लेकिन मैं दूसरी लिमिट की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम की तरफ कितना जा। तो ओहमिक रीजन में आप पिंच ऑफ वोल्टेज तक पहुँच गए और आप सेचुरेशन करंट तक भी पहुँच गए,
ठीक है, और उसके बाद आपके पास जैसे जैसे आप आगे मूव करते जा रहे हैं कॉन्स्टेंट करंट एरिया आता है, उसके बाद एक पॉइंट आता है कॉन्स्टेंट करंट एरिया के बाद, वो कौन सा है? ब्रेकडाउन सर, बर्नआउट सर, ब्रेकडाउन, ठीक है, बर्नआउट या ब्रेकडाउन। तो ये एक ग्रीन एक ग्राफ है जिसको हमने बिल्कुल कंबाइन किया है फॉर डीसी एनालिसिस, जिसमें हम देख रहे हैं जो कि समहाउ रिलेट कर रहा है उसी तरह से बीजेटी के साथ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ है कि उसमें थर्ड एक्सिस यहाँ पर मौजूद था, यहाँ पे थर्ड एक्सिस यहाँ पर नहीं, हमने उसे सेपरेटली ड्रा कर दिया और यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो अब जब आप एसी एनालिसिस करेंगे तो एसी एनालिसिस में क्या होगा, कोई VGS जिसकी अगर मैं लिमिट्स की बात कर लूँ तो ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है क्योंकि हमने क्यू पॉइंट ऐसी जगह पे सेट किया, उसके लिहाज से इस VGS के लिहाज से आपके पास ID चेंज होगा, ठीक है, और ID चेंज हो सकता है मैक्सिमम सिर्फ इतना अगर हम लीनियर ऑपरेशन में रहते हैं, ठीक है, और उसके लिहाज से फिर आपके पास VDS आ रहा होगा। जी कोई किसी तरह की कन्फ्यूजन ग्राफ बनाने के लिहाज से या किसी तरह की चीज़ों के लिहाज से? सर जी सर, हम इनके जो क्यू पॉइंट मालूम करते हैं इनके लिए वही जो पुराने फार्मूला है वो यूज करेंगे या नए? भाई आप BJT के लिए BJT की फार्मूले, FETs के लिए FETs के फार्मूले, JFET के लिए JFET के फार्मूले, DMOSFET के लिए DMOSFET का फार्मूलाज, EMOSFET के लिए EMOSFET के फार्मूलाज, फिर अगर आप JFET यूज़ कर रहे हैं उसमें अगर आप जीरो बायस यूज़ कर रहे हैं तो जीरो बायस के फार्मूलाज यूज़ होंगे, अगर आप वोल्टेज डिवाइडर बायस यूज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज डिवाइडर बायस के फार्मूलाज यूज़ होंगे, अगर आप कॉन्स्टेंट करंट सोर्स बायस यूज़ कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट करंट सोर्स बायस के फार्मूलाज यूज़ होंगे, अगर आप जीरो बायस कह रहे हैं तो जीरो बायस के फार्मूलाज यूज होंगे, अगर आप ड्रेन फीडबैक बायस यूज कर रहे हैं तो ड्रेन फीडबैक बायस के फार्मूलाज यूज होंगे, वो तमाम चीजें पढ़ाई इसीलिए गई है ना, ठीक है नहीं? हाँ वो तमाम इसीलिए तो पहले ये बताया गया। तो ये ग्राफ में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अब ग्राफ में ये चीज आपके पास आउटपुट करंट मीन्स एसी करंट से आ सकती है आईडी, और VGS ये आपके पास इनपुट से आ सकता है और ये आपके पास आउटपुट से आ सकता है। जी क्लियर है? यस सर। थोड़ी सी चीज और कर लेते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइज मजीद। आपके पास आईडी क्यू की वैल्यू है 5 mA, IDSS की वैल्यू है 15 mA या 10 mA, आपके पास VGS क्यू की वैल्यू है 5 volts और VGS ऑफ 10 volts, तो पिंच ऑफ वोल्टेज भी पता चल जाएगी कितनी होगी। यस सर। ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास VDS क्यू की वैल्यू है 15 volts, और उसके बाद हमारे पास ब्रेकडाउन VDS ऑफ कह देता हूँ उसे, जैसे बुक ने कोई नेम यूज नहीं किया, VDS ऑफ मींस वो पॉइंट जब ट्रांजिस्टर बर्न आउट हो जाएगा या ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है, तो उसे हम कर देते हैं 30 volts, ठीक है। उसके बाद आपको आईडी की वैल्यू बता देता हूँ, वो है 1 mA पीक, ठीक है। VGS की वैल्यू बता देता हूँ सर, ये आईडी क्या है सर? आईडी ड्रेन करंट इन एसी। VGS की वैल्यू बता देता हूँ 1 volt पीक, और VDS की वैल्यू बता देता हूँ, इसको भी 2 volt पीक,
ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो आपके पास डेटा मौजूद है। तो अब क्वेश्चन ये है कि ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, तो आप लोग आंसर कर रहे होंगे साथ साथ। उससे पहले आपको ये पता है कि एक डीसी क्वांटिटीज और एसी क्वांटिटीज को ऐड कैसे किया जाता है, मींस आप कैसे कह रहे हैं कि उससे स्विंग्स पर अप एंड डाउन हो रहा होगा। यस सर। तो हम पहले उसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज यहाँ पे कर लेते हैं। वो ये करते हैं कि हमारे पास आईडी की वैल्यू देख लेते हैं। आई डी क्यू इज 5 मिलियन पेयर। उसका मतलब क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन जिसकी वैल्यू 5 मिलियन पेयर। और आईडी मींस आईडी की वैल्यू है 1 AC current और उसकी वैल्यू है 1 मिलियन पेयर पीक। आप लोगों को पीक और पीक टू पीक का डिफरेंस पता है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब है ओरिजिन की वैल्यू होगी 0 और यहां से जब वो पीक तक जाएगा, इस पीक का मतलब है इस पीक की वैल्यू 1 है। सर ओरिजिन 5 मिलियन पेयर नहीं होएगा? नहीं, एक मिनट, सिर्फ फिलहाल तक एसी लिखा है, मैंने दोनों को मर्ज नहीं, हमने कोई ट्रांजिस्टर नहीं लगाया है फिलहाल, कोई मर्ज नहीं किया, ठीक है। इसको पीक टू पीक करते हैं ताकि एक चीज भी समझ में आ जाए। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 और एक नेगेटिव पीक आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस 1। ठीक है जी, तो आप जब इन दोनों को ऐड कर रहे होंगे, मीन ट्रांजिस्टर के बाद जो आपको फाइनली ग्राफ में वैल्यू मिल रही होगी, तो इसकी वैल्यू है आपके पास 5 जो कि मिलीज में है सारी की सारी। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, मैं डिफरेंट पॉइंट्स बना देता हूँ। एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर वैल्यू है 0। एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर वैल्यू है 1 मिलियन पेयर। एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर वैल्यू है 1 मिलियन पेयर। और एक पॉइंट ये है जिस पर वैल्यू है हमारे पास दोबारा से 0। तो हमें जब ऐड करना होता है, मींस प्लस कर रहा हूँ मैं इन दोनों को, ऐड करने के लिए आपने इन दोनों को एक सेम टाइम पर देखा है कि इनकी वैल्यूज क्या है। ठीक है, तो उस वैल्यू के लिए आपके पास ये जो पॉइंट आएगा आपने ऐड करना है दोनों को। तो इस पॉइंट पर वैल्यू देख लें ग्राफ के लिहाज से 0 प्लस और उस ग्राफ के लिहाज से वैल्यू है 5 मिलियन पेयर। तो 0 प्लस 5 मिलियन पेयर आंसर क्या होगा, 5 मिली सर, 5 मिलियन पेयर। ठीक है, फर्दर हम इस पॉइंट को ऐड कर रहे हैं। इस पॉइंट पर हमारे पास वैल्यू आ गई है 1 मिली और यहाँ से इस एक्सिस पर वैल्यू है 5 मिली। तो 1 मिली प्लस 5 मिली कितने हो जाएंगे, 6 मिलियन पेयर। 5 मिली इससे ज़्यादा है तो हम इसे लिख देते हैं 6 मिलियन पेयर यहाँ पर। इसी तरह से हम अभी नेक्स्ट इस पॉइंट को अगर देखेंगे तो ये पॉइंट दोबारा से 0 है, 0 प्लस 5 मिली, तो ये पॉइंट दोबारा से आपको एक और पॉइंट देगा जो कि होगा 5 मिलियन पेयर। फिर आप इस पॉइंट को अगर देखते हैं सर 5 माइनस 1, तो आपके पास -1 मिली प्लस 5 मिली आंसर हो जाएगा आपके पास 4 मिली। तो 4 मिली 5 मिली से कम होता है तो हमने इसलिए उसे यहाँ पर लिख कर उसे 4 मिली कर देते हैं। और फिर से आप 0 पर जाएंगे तो 0 प्लस 5 आपके पास दोबारा से 5 मिली। और इन बिटवीन वैसे एसी में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, वो चीज़ें चेंज हो रही होंगी, वो वेरी हो रही होंगी, तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि अब इनके दरमियान में जीरो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के दरमियान वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि हम हर एक वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम एजम्पशन पर इसे कहाँ तक ले जाते हैं, 5 मिली तक, 6 मिली तक। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान डिक्रीज हो रही होगी तो हमने उसे फर्दर डिक्रीज कर दी। फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान वो फिर डिक्रीज हो रही है और फिर इस पॉइंट से और इस पॉइंट के दरमियान वो इंक्रीज हो रही है। थोड़ा सा काइंडली मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि ये ट्रायंगुलर वेव और साइन वेव का मर्जर कोई नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम स्मूथ कर देते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। तो
एक साइन वेव ही हमारे पास बन रही है। तो हमें इस चीज़ को मैं डायरेक्टली भी करवा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसलिए करवाया कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पता चले, ठीक है। तो अब खुलासा क्या निकला, खुलासा ये निकला कि आप देखें कुछ भी चेंज नहीं हुआ, सिर्फ हुआ क्या है कि हर एक वैल्यू में जीरो में ऐड हो गया कि कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू 5 मिली जो जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये वैल्यू आपके पास जीरो में ऐड किया, तो ये जो ओरिजिन था वो सिर्फ शिफ्ट हो गया किस पर, 5 मिली पर, जो कि आपकी डीसी वैल्यू है, क्लैंपिंग हो गई है जी। उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या किया है कि आपके पास ये जो टॉप वाला पॉइंट था मीन्स 1 मिली, इसमें भी वही 5 मिली ऐड किए, तो आपके पास ये वैल्यू 5 मिली से शिफ्ट होकर 6 मिली तक चली गई है। और आपके पास यहाँ पर आपके पास जो -1 था इसमें भी +5 मिली हुआ। तो अगर आप एक शॉर्ट हिंट देखना चाहें तो वो ये है कि आपके पास जो भी पीक वैल्यूज होंगी या ओरिजिन वैल्यू होंगी उसमें डीसी वैल्यू ऐड हो जाएगी बस। तो आपके पास फाइनली ये वाला ग्राफ आपके पास सामने आ गया, ठीक है। काइंडली इसको याद रखिएगा इन वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि मैं स्क्रीन को वाइट करने लगा हूँ, दोबारा से रेस करूँ। ये अगर हम देखते हैं कि हमारे पास, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा वैसे, इसे रहने देते हैं। हम दोबारा से स्क्रीन पर आते हैं, वाइट स्क्रीन जी। बता सकते हैं VGS Q की क्या वैल्यू थी? -5 वोल्ट। और आपके पास VGS की वैल्यू क्या थी? 1 वोल्ट पीक। यस सर, ठीक है। तो अब आपको दोबारा यही करना है कि आपके पास जो VGS के सिग्नल होगा उसके ओरिजिन है 0, उस ओरिजिन में आप प्लस कर देंगे -5। ठीक है, और इसी तरह से आपके पास जो पीक है, क्योंकि पीक 1 वैल्यू है, तो 1 में आप प्लस कर देंगे -5। और इसी तरह से आपके पास जो दूसरा पीक है वो है -1, उसमें आप प्लस कर देंगे -5। तो आपको सीधा सा सोल्यूशन ये था कि जो भी क्यू वाली वैल्यूज होंगी उसे आपने डायरेक्टली ऐड कर देना। तो देखो हमने तीन जगह पर ऐड कर दी, -5 -5 -5। तो अब जैसे ही आपके पास ये जो ग्राफ है जब ट्रांजिस्टर के बाद होगा, तो आपके पास ओरिजिन जो होगा वो होगा -5 पर, जो कि एक्चुअली VGS Q था। और आपके पास ये जो पीक होगा वो होगा -4, और ये जो पीक होगा वो होगा आपके पास -6। क्लियर है? यस सर। अली, असद, एजान जी, हम दोबारा से स्क्रीन को वाइट कर देते हैं। और अभी आपके पास लास्ट है जिसे हमें देखना है, वैल्यू ज़रूर याद रखिएगा। अब हमारे पास VDS Q की अगर वैल्यू कोई बता दें, और VDS 30 2 वोल्ट पीक टू पीक 30। हमने VDS ऑफ रखा है, वो जो ब्रेकडाउन है हमारा, उसकी तरफ भी हम आएंगे। तो अब हम देख क्या रहे हैं कि हम ग्राफ को डिज़ाइन करने के लिए हमारे पास 2 वोल्ट पीक टू पीक का पता होना चाहिए। तो हमारे पास ओरिजिन क्या है? 0। पीक टू पीक का मतलब होता है, हमने पहले ये ग्राफ बना लिए, पीक टू पीक का मतलब होता है इस पीक से लेकर इस पीक तक की वैल्यू 2 है। तो आपको जब सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखनी है तो वो 2 का हाफ हो जाएगा, तो 2 dividing by 2 इट विल बी 1। अगर 4 वोल्ट पीक होगा तो आपके पास आप लिखेंगे 4 dividing by 2 और वो आंसर होगा 2। अगर 8 होगा तो आप लिखेंगे 8 dividing by 2 और आपका आंसर होगा 4। ठीक है, तो आपने 2 वोल्ट पीक टू पीक का मतलब है कि इस जगह से लेकर ओरिजिन से लेकर इस पीक तक की वैल्यू कितनी है? +1। और आपके पास नेगेटिव पीक तक की वैल्यू है -1। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि आपके पास क्यू पॉइंट जब आ जाएगा और आपके पास ट्रांजिस्टर से आप पास आउट होंगे तो ऐड हो जाएगा इन तमाम वैल्यूज में। तो 15 +1
ओरिजिन में 15+0 और -1 15 -1। तो आपके पास वेव फॉर्म कैसे बनेगी? वेव फॉर्म कुछ यूं बनेगी, जिसमें आपके पास वैल्यूज होंगी 16, वैल्यू होगी 15, वैल्यू होगी आपके पास 40। सर क्लियर जी? सर इसमें तो एम्प्लीफिकेशन जीरो है। हाँ तो हमने कौन सा एम्पलीफायर डिज़ाइन किया, हम तो वैसे एक वैल्यूज ली, मैंने सिर्फ उसे 2 वोल्ट पीक रखा था गेन के लिए वैसे, लेकिन वो फिर पीक टू पीक सिर्फ इसलिए किया कि ये कन्फ्यूजन भी निकल जाए कि पीक टू पीक अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जो बाद में लेक्चर देख रहा है या रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा है, सिर्फ इसके लिए थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर ली। बाकी इन चीज़ों की तरफ आएंगे, इन्हें ना बाइसिंग किए ना कुछ किए। तो आपको डिफरेंट चीज़ें पता चल गई। अब आपको ये ज़रूर याद रखना है कि एक चीज़ है 14, 15 एंड 16, ये कौन से ग्राफ के लिहाज से, ये VDS के लिहाज या आउटपुट के लिहाज। VGS के लिए क्या है, अभी आपने थोड़ी देर पहले उसे कैलकुलेट किया है, -5 -4 -6, ठीक है। और आपने ID के लिए भी ड्रा किया था, अगर ID किसी को याद हो, 5 मिली सिक्स मिली एंड 4 मिली, ये तीनों चीज़ें याद हैं जी? सही बनाई है मैंने, कोई गलती तो नहीं की मैंने, हमने जो अभी प्रीवियस जितनी भी की हैं तो हमने ये तीन चीज़ें की, क्लियर है? यस सर। हम चले जाते हैं वाइट स्क्रीन की तरफ। अब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ें सिर्फ आपको ये थी कि आप कैसे उन ग्राफ्स को बना रहे होंगे, तो हम ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ में 3 एक्सेस होंगे, फिजान बता सकते हैं कौन कौन से? सर आईडी, आईडी, VDS, VGS, माइनस में VDS, VGS और VDS, VDS। एक्सेलेंट जी यूनस, बताएं IDSS की क्या वैल्यू थी? सर IDS की, IDSS मैंने जो लिखवाई थी 10 मिलियन पे, VGS ऑफ याद है आप लोगों को? बड़ी शॉर्ट मेमोरी है, VGS ऑफ 10 माइनस 10 माइनस 10 वोल्ट। तो सबसे पहला तो काम ये हुआ है कि यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ मिल गया, ठीक है। एक और पॉइंट भी है जिसे हमने VDS ऑफ का नाम दे दिए, जो कब आएगा, जब ब्रेक डाउन अकर होगा, ठीक है। तो हमारे पास VDS ऑफ याद है कितना था वो? 30 वोल्ट्स। ठीक है, तो अब हमने उसके बाद हमने क्यू पॉइंट सेट किया है, जो कि अगर आपको पता हो तो मैंने मिड पॉइंट क्यू पॉइंट सेट किया है, क्योंकि IDSS की वैल्यू 5 मिली एम्पीयर आई है। 0.3 का VGS और आपके पास ये एक रेफरेंस होगा जो कि आपके पास IDQ कहलाएगा। ठीक है, उसके अलावा आपके पास VGS आएगा। बता सकते हैं इस VGS की वैल्यू क्या थी? सर वो तो 5 लिखी थी आप। जी हाँ, माइनस फाइव थी शायद। और इस ये रेफरेंस के लाएगा VGS की। मुबीन, हमने इस वैल्यूज लेट की हैं, तो हम क्योंकि हम सिर्फ ग्राफ सीखना चाह रहे हैं, हमने एग्जैक्टली उन चीज़ों को नहीं देखा कि गेन हो भी रहा है नहीं हो रहा, क्यू पॉइंट कहाँ पर आ रहा है कहाँ पर नहीं आ रहा, सॉरी VGS ऑफ नहीं है, VGS क्यू है।
ठीक है वो भी ऐसा सही था जी जी वी जी एस क्यू, तो हमने वी जी एस क्यू की वैल्यू आ गई -5 और एक थर्ड वैल्यू थी जिसे हमने वी डी एस का नाम दिया या वी डी एस क्यू, क्या थी वैल्यू उसकी 15 वोल्ट्स और ये एक रेफरेंस। ठीक है तो ये एक डीसी एनालिसिस से आपने ये काम किया था। अब मैं इसमें एक चीज़ और कर देता हूँ कि मैं यूजिंग ब्लैक कलर लिमिट्स बता देता हूँ कि हमारे पास ये जो ब्लैक कलर में है ये फॉर ड्रेन करंट के लिए हमारे पास लिमिटेशन है, ड्रेन करंट के लिए मैक्सिमम लिमिट्स ये हैं। ठीक है और वी जी एस के लिए हमारे पास मैक्सिमम लिमिट्स ये हैं। एक वैल्यू आपको पता चली थी माइनस वी डी एस, सॉरी पिंच ऑफ वोल्टेज जो कि पता चलता है वी जी एस ऑफ से, मीन्स वी जी एस ऑफ इक्वल होता है माइनस वी पीक के। तो इस इक्वेशन से आपको वी पीक की वैल्यू पता चलेगी 10 वोल्ट सर, ये लिमिटेशन होगी। क्लियर। अब हम आ जाते हैं एसी एनालिसिस पे कि हमारे पास गेन आ रहे हैं, करंट गेन है, जो भी चीज़ें हैं, तो उनके लिहाज से आपने जो करंट ड्रा किया था, करंट आपके पास ड्रा हुआ था 5 mA और आपके पास जो मैक्सिमम पॉइंट था वो था 6 mA और आपके पास जो दूसरा पॉइंट था वो था 4 mA, यही था। तो वैल्यूज में मैंने गलती तो नहीं की है, तो आपके पास ये ग्राफ आ गया। फिर वी जी एस -5 था तो उसके लिहाज से आपके पास वैल्यूज थी -6 एंड -5 जो कि वोल्टेज में होगा और इसके लिहाज से आपके ये पॉइंट्स हैं, सॉरी -5 नहीं -4 क्योंकि -5 का हमारे पास क्यू पॉइंट है। ठीक है तो पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है और इसी तरह से हमारे पास वी डी एस क्यू के लिहाज से आपके पास दो पॉइंट्स थे, एक था आपके पास 16 वोल्ट्स और एक तो था आपके पास 14 वोल्ट्स। अब यहाँ पे चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर आप जब भी आई डी क्यू और वी जी एस आपने बनाया है तो आप पहले पॉजिटिव साइकिल बना रहे थे, मीन इंक्रीज वाला साइकिल बना रहे थे, फिर डिक्रीज वाला साइकिल, इंक्रीज का साइकिल है फिर डिक्रीज का साइकिल है। लेकिन वी डी एस जब आप बना रहे होंगे क्योंकि आप कॉमन सोर्स एम्पलीफायर को स्टडी कर रहे हैं उसमें 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट है, तो 180 डिग्रीज का फेज शिफ्ट का मतलब है कि आपके पास वी डी एस से पहले वैल्यू कम होगी, मीन्स नेगेटिव साइकिल आएगा और फिर आपके पास पॉजिटिव साइकिल आएगा जी। तो ये एक कंप्लीट ग्राफ है जो मैंने पूरे एग्जांपल के साथ आपको समझाया है, जो आपने ड्रा करना होता है या आपने डिज़ाइन करना होता है। इसमें किसी तरह की भी छोटी सी भी कन्फ्यूजन है तो काइंडली मुझसे पूछिए। जी क्लियर है? यस सर। ठीक है तो ये हमारे पास एक फाइनल ग्राफ। अब इनमें से आप लिमिट्स बता सकते हैं कि आईडी की लिमिट क्या है? अगर ये ग्राफ है तो आईडी मैक्सिमम कितना हो सकता है, आप पीक में बताएंगे। ठीक है आईडी मैक्सिमम पीक, आपने डिस्टेंस देख लिया, यहाँ से 5 mA है और यहाँ पे 10, दोनों के दरम्यान में डिफरेंस 5 mA है। इसी तरह से 5 mA और ये ओरिजिन है 0, तो 5 mA और 0 के दरमियान भी डिफरेंस 5 mA है, तो ये बिल्कुल मिड में है, तो इसलिए आप ऊपर की तरफ भी 5 mA की तरफ जा सकते हैं और नीचे भी, तो यहाँ पर आपके पास 5 mA पीक। इसी तरह से हम चले जाते हैं VGS मैक्सिमम की तरफ, वो भी आप पीक में बताएंगे सर 5 वोल्ट। ठीक है वो भी 0 से लेकर -5, ठीक है और -5 से लेकर -10। तो आल दो ग्राफ कुछ इस तरह का बना है लेकिन हमारी जो वैल्यूज आई हैं हमने उसी पर डिपेंडेंट रहना है। तो हमारे पास 0 और -5 के दरमियान डिफरेंस है 5 और -5 और -10 के दरमियान डिफरेंस है 5, तो हमारे पास जो मैक्सिमम स्विंग किया जा सकता है वो है 5 वोल्ट पीक।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चले जाते हैं VDS मिक्स, क्योंकि VDS हमारे पास आउटपुट होगा, तो हमें आउटपुट करंट की रेंज पता चल रही है, हमें इनपुट वोल्टेज की रेंज पता चल रही है, हमें आउटपुट वोल्टेज की रेंज पता चल रही है। जी हमारे पास अब हमें देखना होगा जो जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जिसे आपको ज़्यादा चीज़ समझ में आ सकती है। यहाँ पर वैल्यू है 15, तो हम पहले इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देख रहे हैं, क्योंकि ये लिमिट है। तो 10 और 15 वोल्ट इनके दरमियान डिफरेंस करेंगे तो आपके पास जो लिमिट है वो 5 वोल्ट की स्पेस है टूवर्ड दिस। और इसी तरह से आप इस 15 वोल्ट से लेकर काउंट कर रहे हो 30 वोल्ट तक, तो यहाँ पर डिफरेंस है 15 वोल्ट। लेकिन क्योंकि एसी सिग्नल दोनों तरफ एक जैसी वैल्यूज होंगी, मीन्स अगर 1 वोल्ट उसका जो ओरिजिन है या रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस अगर 1 वोल्ट ऊपर स्विंग कर रहा है तो 1 वोल्ट उससे नीचे स्विंग कर रहा होगा, 2 वोल्ट ऊपर स्विंग कर रहा है तो 2 वोल्ट नीचे स्विंग कर रहा होगा। तो अगर वो 5 वोल्ट यहाँ पर स्विंग करता है तो वो 5 वोल्ट यहाँ पर भी स्विंग करेगी, लेकिन अगर वो 15 वोल्ट के लिए यहाँ पर स्विंग कर जाएगा तो यहाँ पर उसके पास स्पेस नहीं है 15 वोल्ट के लिए। तो आपको जो चीज़ पता चली है कि आप हमेशा स्मॉलेस्ट जो आपके पास जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा उसको देखेंगे, और इस लिहाज से आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू होगी होगी 5 वोल्ट पीक। जी तो क्लियर है, ग्राफ के लिहाज से तमाम चीज़ें आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग सही से डिवेलप हो गई। टाल दो ये प्रैक्टिस VDs उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स के कोर्स में भी की गई है। जी क्लियर। यस सर, यस सर। तो यही चीज़ें यहाँ पे जिक्र किया गया था और इन चीज़ों के लिहाज से, तो अभी तक की जो कंक्लूजन है वो ये है कि आपको ये 4 फार्मूला जो मैंने यहाँ पे अभी कलर्स में बताए थे और ये ग्राफ आपको पता हो, ठीक है। तो थोड़ी सी ब्रेक कर लेते हैं और फिर उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ये 11